इतना देव मुझे बचा ले रहे। के बात होगी ताऊ? अरे ये चंद्रपाल जो है इससे 2000 रुपए उधार ले लिए थे पीछे जब तेरी ताई बीमार थी। अब ये मेरी भैंस ले जा रहा खोल के, मेरे जीवन कैसे चलेगा आगे को, दूध नहीं मिलेगा पीने को। इसकी के हिम्मत जो भैंस ले जाओ। चलिए ताऊ। अरे कैसे ताऊ की गल मारपीट कर रहा? मारपीट कर रहा? 2000 रुपए ना दे रहा मेरे? तो 2000 के ऊपर भैंस ले जाएगा? हाँ ले जाऊंगा। ले जाके दिखा भैंस को। ले पैसे और इंगत इंगत दी भी गए ना तेरा भूस भर दिया। बेटा देव तेरा बहुत बहुत एहसान, तेरी वजह से आज इज्जत बच गई। ताऊ ये तो मेरा फर्ज है। ठीक है ताऊ। बहुत बढ़िया बेटा, भगवान खुश रखे, बहुत अच्छा बेटा दे। ओ टप्पल, अरे कहाँ बारिश में घूमता फिर रहा तू? जिसके जीवन में सुखा सुखा उसे बारिश के बिगाड़ेगी उसका यार। पर तू यार आदमी ठीक ना यार, तू मेरा यार हो क्या, मेरा एक काम नहीं कर पा रहा यार। अरे तेरी मैं बहुत सोच रहा हूँ, क्या बात होगी मुझे बता तो सही। अरे यार ब्याह करवा मेरा, अब तेरी तो सेटिंग चल रही है, अब तेरी सेटिंग चल रही है तो ब्याह भी होना, मैं तो नहीं रह गया ना यार। मैंने 3-4 से बात कर रहा थी और कल राम सिंह दौरा चलेंगे, तू बेफिक्र रहे और तू निकल ले, बारिश तेज होने वाली है। अच्छा ठीक है, ध्यान रखिए बात का। ठीक है टप्पल। पक्की बात है? पक्की। ठीक है। आया ना बलोर भी आ गया ले। अरे माँ बहुत भूख लग रही है, रोटी लिया। अरे तू हाथ मुँह तो धो ले, अब लाई मैं रोटी। अरे हाथ तो धोए हुए हैं, तू रोटी लिया। चल बैठ जा। अरे माँ जल्दी ला रोटी, भूख लगी है, भूख लगी है। अरे माँ लिया रोटी, ओहो रोटी लिया मेरी माँ, ए मेरी माँ रोटी लिया। ले आई तो सही, ले खा ले, बहुत देर से बाट देख रही तेरी। अरे माँ आज तेने मुर्गा कैसे बना दिया? रे बैंगन है यू, वैसे मुर्गा कदी मारे बना घर में। अच्छा अच्छा बैंगन, मैं भी देखा माँ ने सब्जी में आज मुर्गा कैसे बना दिया। खा ले। बेटा एक बात कहूं? हाँ माँ। उस सुरजीत की साली ना गुड्डन, तू उससे ज्यादा हंसी मजाक मत करे, खरे ब्याह की बात चल रही तेरी, बात बिगड़ जाएगी। अरे माँ ऐसे कैसे बात बिगड़ जाएगी मजाक करने से, एक तो साली लगे और ऊपर से मेरा ब्याह होने वाला है। अरे माँ उससे मजाक ना करूंगा तो किससे करूंगा? देख बेटा तेरी अभी अल्लड़ बुद्धि है, जितना मैं कह रही ना मेरी बात का ध्यान कर ले तू। अरे माँ ध्यान ही है, आज तो सवेरी से होऊंगा गया भी ना हूं, देख काऊंगा क्या कर रही है। तू बाज नहीं आवे, रोटी लाऊं? और ना मैं बस चल खा ले। अरे पानी ले आइए। ठीक है ला रही हूं। ए क्या कर रही है गुड्डन? कुछ ना दीदी, भैंसों को पानी पियाने के लिए पानी भर रही है। अच्छा ठीक है, पानी पिया के फिर थोड़े से कपड़े पड़े उन्हें धो लिए। ठीक है, बहुत काम पड़ा, मैं भी जाके झाड़ू लगा लूं। आज तो माँ ने घना ही स्वाद खाना बना दिया, पेट घना ही भर गया। पानी क्यों गिर रहा था? नहीं गिर दिया, होली आने वाली है फिर तू चली जाएगी, मैंने तो आज ही कर दिया अपना काम। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरे और मेरे ब्याह के पिताजी ने मना कर दी, और अच्छा ही किया, कमाने का ना धमाने का, और हरकतें देखो एक से एक पागलों वाली। ऐसे कैसे ब्याह की मना कर दी? अरे मेरे में कमी के है, हंसी मजाक तो चलता रहे, बिना मजाक के जिंदगी है? जा तो फिर मजाक ही करता रहे जिंदगी भर, गुड्डन तो तुझे मिलने से रही। ऐसे मत कह गुड्डन, तेरे बिना मेरी क्या जिंदगी है। ओ मेरी गुड्डनिया, ओ मेरी गुड्डनिया, ओ गुड्डनिया, ओ गुड्डनिया, बाहर चल तू यहाँ से। ओ गुड्डनिया जा यहाँ से। अरे भाभी ये गुड्डन क्या कह रही, तुम्हारे पिताजी ने हमारे ब्याह की मना कर दी गई है? हाँ तो क्या गलत कह रही है, सही तो कह रही है, तू काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, सारे दिन नुई टांग मारता फिरे जा। अरे यू टांग मारना कम काम को ही है, एक दिन तू पूरे दिन टांग मार के देख, तेरी टांग में ना दर्द हो जा, और मैं खेत पे फावड़ा लेकर भी जाऊँ, यू कम काम है? अच्छा जी बहुत बड़ा काम है यो, तो तू तो घना ही काम करे है भाई। अरे तेरी ढाल गोई हूँ, पूरे दिन नुई निठल्ली फिरती रहे भाभी। के मैं निठल्ली? हाँ निठल्ली, हाँ निठल्ली, हाँ निठल्ली, हाँ निठल्ली। कदी करवाओ तेरा भ्यासा, किस गुलाम में मैं तू, मेरे बापू तो देखता फिर रहा छोरा, करवा दूंगी तेरा भ्यासा।
राम राम भाभी। राम 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 राम। आ बैठ करिश्मा, आज कैसे आ गई मारा तू? भाभी मुझे ना इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आती है। बस इतनी सी बात? ये देख डुओलिंगो ऐप, इससे तू अपनी इंग्लिश सुधार सकती है। डुओलिंगो ऐप ये क्या है? ये एक पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। यहाँ इंग्लिश सीखी जा सकती है हिंदी से और 40 अन्य भाषाओं से भी। ऐप से सीखना तो थोड़ा मुश्किल लगता है। अरे नहीं नहीं, यहाँ इंग्लिश सीखना गेम खेलने जैसा ही आसान है। और इस ऐप की एक और खास बात ये है कि इसमें एड्स नहीं आते। इसके अलावा ये लैंग्वेज सीखने के तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जैसे रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। ये तो कमाल की ऐप है, कहाँ से डाउनलोड करूँ? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहीं से। तो दोस्तों अगर आपको भी इंग्लिश ठीक करनी है तो आज ही डाउनलोड करें डुओलिंगो ऐप। राज सुरजीत भाई यहाँ के बात है भाई। अरे ब्याह की बात करनी है। किसके ब्याह की? मेरे ब्याह की। तेरा भी ब्याह होगा? गोबर के चौथ जैसा तेरा मुंह है, तू भी ब्याह करवाएगा? अबे छोटे हाथी, जब तेरा ब्याह हो सके तो मेरा ब्याह ना होगा भला? अच्छा हाँ। सिकल देखी इतना कभी अपनी सिस्से में? देखी। पक्का? पक्का। डरा तो ना था? अजी मैं क्यों डरूंगा, मैं तो औरों को डरूं। और सुन हाँ। मेरे पीछे लौंडियों की लाइन लग रही है, यू तो मैं हूँ घास ना घेरता हूँ। और ऐसी लौंगा बहू दुनिया याद करेगी, तू भी याद करेगी। ये तो वो वाली बात होगी, सिकल चुड़ैल की और मिजाज परियों का। हाँ? अच्छा हाँ। लेकिन दिक्कत एक है भाई, हाँ। 2 फुट का तू आदमी है, तेरे साइज की बहू कैसे मिलेगी? अबे छोटे हाथी, जब तेरा ब्याह हो सके तो मेरा ब्याह ना हो सके भला? मैं छोटा ट्रक दिखाऊं तुझे? हैं? के काम करे लाला जी? मेरी दुकान है, बस उसी से ठीक ठाक काम चल रहा है। अच्छा परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, माँ बाप है नहीं। छोटा भाई ठेकेदारी में बाहर रहता, जब काम नहीं होता तो गांव में रहता। अच्छा लाला जमीन कितनी है? 28 बीघे जी। ठीक है लाला, सलाह करके बतावेंगे फिर। चल बेटा। राम राम। राम राम जी। राम राम। नमस्ते। लाला मुझे तो इनका हिसाब किताब ठीक लग रहा है, लड़का भी मेहनती है, जल्दी निपटाते हैं इस काम को। ठीक कह रहे हो पिताजी। अबे मनप्रीत, तूने कह रहा है यहाँ शेर उतर रखा है जंगल में? अरे अब नहीं आने का हूँ। अरे मैं टट्टी करने जा रहा हूँ अभी, और वो मुझे रास्ते मिल गया, वो मेरे उनको घूरा, मैं उसके घूरा, अब देखा देखी मैं गुस्सा आ गया, ना वो हटिया ना मैं हटिया, और भाई हत्तापाई हो गई। और फिर मैंने जो पटकी मारी, बस मारी दी, अब उठनेगा ही नहीं। अरे ये तो कुत्ता। कुत्ता? अरे कुत्ते से तो डरूं मैं, शेर को तो पाड़ के फेंक दूं मैं। अब एक बार की और सुन, तुम भी सुनो रे। एक पहलवान आया, उन्हें खड़े पे लंगर फेर दिया, मैं खड़िया वही मन छो में जो गया नायर, ऐसे मार दी नाड़ी तोड़ दी। अरे तू यहाँ बैठा, मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ आया। अरे यार आज तन गुड्डन देखी कहीं? हाँ देखी, वो तो 1 घंटे पहले बाजार भी जाती देखी मैंने। अच्छा हाँ। अरे फिर तो मैं यही बैठूंगा, यहीं से वापिस जाएगी। ओए अपने घर चलो, बहुत देर कहानी जाओ, जाओ, जाओ। चलो तुम्हारी मम्मी बुला रही है। हाँ, अरे अरे कितनी देर होगी गई होगी? अरे अभी 1 घंटा भी ना हुआ, आने वाली होगी। अच्छा फिर तो ठीक है, आने में होगी। अरे भाई मैं चलूंगा, रुकू? अरे तू यही रह, तेरी भी तो भाभी है। हाँ, ए गुड्डन। अरे यार अपने पिताजी से कह के ब्याह की तारीख निकलवा ले, कब तक कुआरा बैठा रहूंगा? ना निकलवाती, तू जाके जो निकलवा ले। अरे तू कर ले। और पुलिस वाले भैया, ये थार तो कुछ कहना चाह रहा। क्या बात है? कुछ ना जी। क्या मरोड़े होता जी? मैं तो राम राम करना चाह रहा। राम राम जी। चल रास्ता ना अपना, चल राम राम हो गई। ले भाई इसका तो बैठ क्या जुगाड़, मैं ही रह गया हूँ, मैं भी बैठाऊंगा कहीं ना कहीं। देखो
कद आवेगी मेरी तू बहू बन के, कद आवेगी मेरी तू बहू बन के, कद ना चूंगा सुरजीत भाई हैं के? हाँ हैं, बता के बात। अरे यार बताऊं के? यार भाई तेरा तो ब्याह हो लिया, तू तो मौज ले रहा, और यार मेरी गैल को भी सबका ही हो लिया, मैं ही रंडवा घूम रहा, भाई मेरा ब्याह करवा दे। अबे तू भी ब्याह करेगा? अपना मुंह तो देख चप्पल सा, उसका कौन ब्याह करेगी? अरे भाई मैं इतना लंबा चौड़ा आदमी, खानदानी, मेरा ब्याह ना होगा तो किसका होगा भाई? कहाँ सा लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है तो इतना सा? भैया मैं जितना ऊपर हूँ ना उतना नीचे भी हूँ। अच्छा भाई रोटी भी अपने आप ही बनानी पड़ रही है, यार मेरा ब्याह करवा दे सुरजीत भाई। चल मारी रिश्तेदारी में एक बिहारन है, उसकी बहन है कुंवारी, उससे बात करके देखता हूँ, अगर वो मान गई। हाँ हाँ सब चलेगी। अलक निरंजन, अलक निरंजन, अरे लाली कुछ बाबा को देने क्या है? क्या चाहिए बाबा? अपनी बहन दे दे। दे क्या बाबा? कुछ ना, तेरा घर बहुत अच्छा है। क्या नजर लगाओगे हमारे घर को बाबा? अरे ना नजर पजन ना लगा रहा, कुछ दूध दही रोटी पानी दे दे मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, मंगा रही हूँ। हाँ जी जी, ए बाहर एक बाबा खड़ा, कुछ खान पीन को धराओ तो उसे दिया जाता है। ला रही हूँ जी जी। ये लो बाबा। लाली तेरा हाथ में तो बहुत तगड़ी रेखा, तेरी तो किस्मत पलटने वाली है। अच्छा बाबा ऐसा क्या लिखा मेरे नसीब में? तेरे नसीब में तो बहुत सुधा छोरा लिखा। अच्छा बाबा और क्या लिखा मेरे नसीब में? तुझे वो सारे जहाँ की खुशी देगा, तुझे चांद तारे तोड़ लाएगा और तुझे बहुत खुश रखेगा, और उसका नाम देव होगा। Oh no! है? के कही बाबा? कुछ ना, कुछ, कुछ ना। अरे यो भी लिखा के वो भेटा गाँव का? हाँ। अरे यो भी लिखा के वो निकम्मा लफंगा है? लफंगा कहीं का
चाची राम राम। राम राम। मेरा देव देखा तुमने आज इंगा? ना बेटे मैंने नहीं देखा, आज नहीं आया इधर। पता नहीं कहाँ चला गया भाई। छोरे से मैं भी दुखी होली है, सारे में चीते की रोड मछरी है, चीता उतर रहा है, ना तो रोटी टाइम से खावे है, ना मुझे बता के जावे मां वहां जा रहा हूँ। दे अरे दे, कहाँ चला गया ये छोरा आज बता। दे अरे चल ही आ रहा। अरे चप्पल तन्ने मेरे देव देखा के। अरे मेरा नाम टप्पल है। अरे टप्पल चप्पल कुछ भी हो तू मुझे देव को बता दे, कहीं देखा हो तो। अरे गया होगा कहीं काम धंधे को, तो क्यों परेशान हो रही है? हाँ बहुत काम करो ना तुम दोनों, देखे कहा सारे दिन पहाड़ी ना तोड़ो तुम। अरे मुझे नो डर लगा रहा है, जितनी उपाध करे वो कहीं पीठ छिद के ना आवे। अजी हाँ उसे पीट सके भला कोई। हनुमान हूँ मैं हनुमान, गदा बजा दूंगा गदा, जो उसकी तरफ किसी ने आंख भी कर दी तो। अरे तुझ पे मेरा एक रैपट झिलने का ना, हनुमान बना फिर रहा। अरे माँ मैं तेरी बात थोड़े ना कर रहा हूँ, तू तो माँ है, तू तो कितना ही पीट ले चाहे। अरे तू सारी बात छोड़, उसे बता दे कहाँ गया हो। अरे मुझे ना पता, ले यू भी चल दिया नू कह के। बता वैसे जंगलों में चीता उतर रहा, मैं कहाँ ढूंढू, सवेरे से ढूंढती डोल रही हूँ उसे, लेंगे को और देख का हूँ। सुरजीत भाई मैं तो तुम्हें ही देखने जा रहा था घरों। अरे टप्पल मैं भी तेरे धोरे को जा रहा था। अरे यार सुरजीत भाई मैं तेरे घरों जा रहा तेरे से मिलने। क्या हुआ इस मामले का? वहाँ बात पक्की हो गई है, इतवार को चलना। अच्छा कुछ पैसे दिलने का भी इंतजाम कर लिए, कभी सोचा वहाँ से कुछ दहेज मिलेगा? मिलना कुछ नहीं और उल्टे खर्च करने पड़ जाएंगे। सुने पैसे की बात ना है, पैसा बहुत है मारे धोरे, तू एक बार इस काम करवा दे किसी तरह। ठीक है तो इतवार को चलते हैं। और हाँ एक बात और, कुछ फल फ्रूट भी ले चलिए और वरमाला का कर लिए इंतजाम। भाई तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ का, और तू सारा जुगाड़ कर दूंगा मैं, तू बस सिर्फ एक बार ब्याह ही करवा दे। अच्छा राम राम। राम राम भाई, राम राम। ठीक है भाई, लाइट बढ़ गई, अब ब्याह हो जाएगा सारा। अरे यार कहाँ हुआ पक्का, इतना पैसा इतनी जायदाद इतनी जमीन पर साला यो ब्याह ही नहीं होके दे रहा मेरा तो। अबे यार पता नहीं कुआरा ही मरना पड़ेगा पूरे जीवन में। चल ठीक है बाद में बात करता हूँ। अरे यार चंद्रपाल कुछ पैसे का जुगाड़ कर दे। तो तुझे क्या जरूरत पड़ेगी पैसों की? अरे यार मेरे ब्याह की बात चल रही है। अच्छा हाँ। तेरा ब्याह फिक्स हो गया? बस फिक्स ही समझ, चार पांच गांव के चौधरी लग रहे हैं मेरे पीछे, ब्याह हो ही समझ ले। देख ले भाई कभी तेरा ब्याह भी ना हो और तू पैसे भी ना दे पावे, और वो तेरा दोस्त देव वो मुझे पिटता है। अरे उस तक तो बात भी ना पहुंचे, और जहाँ से मेरा ब्याह हो रहा ना मेरी बहू इतना मोटा माल लेके आओगी आज तो उतार दूंगा। अच्छा जहाँ से तेरा ब्याह हो रहा भाई वहाँ माल मिला है? बहुत मोटा माल भाई, तू मेरा ब्याह करवा दे बस। पैसे ले और औरती है ना भाई तो बता दे भाई, बस तू मेरा ब्याह करवा दे उस जगह से। तो मैं एक काम करूँ, मेरी सगी छोटी साड़ी उससे तेरा ब्याह सेट करवा देता हूँ, एक बार पर मेरा ब्याह होगा जान दे। भाई बिल्कुल करवा दे इस काम को। पक्का करवा दूंगा चिंता ना कर। भाई तुझे और पैसों की जरूरत पड़े ना तो मांग लिए, यो सब तेरा ही तो अड़ंगा पड़ाया, पर तू ब्याह करवा दिया है ना। बस पक्का हो गया तेरा ब्याह, चिंता ना कर। ठीक है भाई तुम बात करो। पक्का? अच्छा मैं चलूं। हाँ 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 ठीक। भाई चंद्रपाल अब तेरा भी ब्याह होगा, तेरे भी बच्चे होंगे, तेरी भी फैमिली होगी चंद्रपाल। चीता हाँ और तुझे ना पता सारे गांव में रुका पड़ रहा है? हाँ के चीता दिखे भागो। बड़ा मजा आया उल्लू बनाया। तूने नाक में दम कर रखा, नाश बेटा दाती कहाँ है मेरी? चाची, अरे चाची। हाँ बेटी। चाची राम राम। राम राम बेटी राम राम। ये आज कैसा फुर्सत मिल गई तुझे चाची से मिलने की? अरे मैं नू कहन आई थी के गुड्डन के यार देव के रिश्ते की टाल है। हैं टाल है? ये ऐसे क्या बात होगी, क्यों टाल करवा रही है? एक तो ये कुछ काम हिल्ला करना शुरू ना कर रहा, ऊपर से इसकी लफंगापंती दिन रात बढ़ती जा रही है, कभी तो बाबा बनकर हमारे घर में बढ़ जा,
कभी ये चीता बन के हमें खेतों में डरावे है, कभी बीच रास्ते गुड्डन को छेड़े है। बताओ हम कैसे करें, नाक में दम कर रखा हमारी। अच्छा ऐसी बात है, तो आज आ जान दे इसका, ये जितना उपाध पने करे ना आज मैं कान खींच दूंगी इसके। तू चिंता ना करे, पर रिश्ते की टाल ना करवाइये, मेरा देव इतना बुरा ना, दिल का बहुत अच्छा हो, हीरा एकदम हीरा। हाँ कैसा हीरा चाची, तो हम भी देख रहे हैं। अरे भाभी कैसा नाराज सी हो रही है। अरे माँ कैसा आई भाभी, के कह रही तेरे से? तेरे उपाध पने बता रही है, तेरे गुड्डन के रिश्ते की टाल करना आई है। अरे माँ ऐसे कैसे टाल हो जाएगी, मैं गुड्डन और गुड्डन के पिताजी को मना लूंगा, तू अपने छोरे को ऐसा वैसा मत माने कर, मैं एकदम सुपरमैन हूँ सुपरमैन, जो चाहूँ वो कर दूँ। माँ तू बस नाराज मत होया कर। भाई देखिए मैं तेरे छोरे से भी दुखी हूँ भाई, पता ना कहाँ कहाँ गारा में लौट कर देख ले मेरे से लिपटगा, अभी ना यार कर दी सारी सारी बेकार, क्या करूं मैं इसका। बहुत काम पड़ा गुड्डन। हाँ जी जी काम से आ लेंगे निपटा के। सही बात भाभी। हाँ। आ जाओ बुग्गी में बैठ जाओ। ना ना हम ना बैठ रहे तेरी बुग्गी में। अरे भाभी बहुत आराम से चलाऊंगा। बैठ लेते हैं ना जी जी, घनी दूर जाना, चौखे बैठ जाएंगे बुग्गी में। अच्छा चल फिर तू कह रहा तो बैठ ले, मैं इतनी रिक्वेस्ट। हाँ, कर रहा था तो। आ जा भाभी। मैं किन्हीं को बैठूं? है? रोक तो सही। हाँ भाभी रोक तो रखा। हाँ। आराम से चला मैं गेरेगा के। मैंने कुछ ना गिराया तो कटरे का तंग खुल गया, आ जा बैठ जा द्वार है, अभी जोड़ रहा हूँ मैं। खुल गया तंग खुल गया। अरे भाभी जोड़ रहा हूँ। इतनी अकल सिखाई है इसके माँ बाप ने। भाभी जोड़ रहा हूँ। तंग करता ही रहा मैं रोज। उत्ते तेरे कर्म खराब है, तेरी माँ से क्या कहूंगी कल देखिए। अरे भाभी जोड़ रहा हूँ। आज के बाद कभी तेरी बुग्गी में ना बैठूं, तोड़ दिए मेरे तो हाड़ गोड़, हद कर दिया आज इसने बिल्कुल सच में। पैर पैर आगे आराम से उतरना दुल्हनिया। ना सो लिया मैं कहाँ जा रही है, रुक जाओ सर, रुक जाओ सर, रुक जा, कहाँ जा रही है, अरे रुक जा। हाथ तेरी यूं भी ना बता सकी, पिशाब आ रहा, मैं सोच रहा 50,000 डूब गए। अबे यार तुम तो मैं ही डरा दिया था। अरे हम कहाँ भागत रहनिया, हमने तो पेशाब ला कर रखा मुते कर रहनिया। हाँ अरे चप्पल ओए उरा उरा इरा कैसा है, अरे कहां से आया तू? अरे यार आऊं के यार सुरजीत ने मेरी गैल गड़बड़ कर दी यार, वो सुरजीत जो तेरे से चिड़े। अरे ये कौन है? ये मेरी दुल्हनिया यार, इसे ब्याह के ले आऊं। अच्छा अच्छा, अरे के गड़बड़ कर दी सुरजीत ने? अरे तेरे ससुरे ने मेरे सारे पैसे ले लिए और वहां से भाग गया, और मैं यार 10 ट्रक बदल के यहां तक
आया हूँ और मैं इस रास्ते को तो नहीं आया हूँ यार, गांव वाले ने देखे यार, तू मुझे घर तक छोड़ दे यार। अरे चल तू बैठ और तू पहली बता देता यार। तेरा पता भेजा तो था ना, राम फल ना आया तेरे धोरे। अरे वो तो ना पूछा यार, ले बैठ आ जा, मैं तो अपने काम जा रहा हा। चलो छमिया, अच्छा बस बस बैठ जा, चलू। हाँ चलो। अरे सही है यार, मौसम भी ठीक हो रहा, तू सही ब्याह कर लाया, रोटी पानी का जुगाड़ हो गया। चल सेब ले लो, सेब मीठे सेब, कश्मीरी सेब, सेब ले लो सेब, थोड़े बहुत मीठे भी हैं, सेब ले लो। अरे कहाँ गए बालक नन्हे, सेब ले लो, सेब सेब ले लो। ओ सेब वाले इधर आ। कैसे दिए भैया सेब? पहली बात तो सुन लाल ली, जो मुझे भैया कह दे मैं उसे सेब देता नहीं। सेब वाले गधे कैसे दिए सेब? एक तो ऊपर से गधा कह रही है, सेब भी मेरे से ले रही है, अब तो मैं बिल्कुल ना दूं। अच्छा सेब वाले आदमी जी, कैसे दिए आपने सेब? अरे तेरे लिए तो सारी फ्री है। हैं के कई? 10 रुपए किलो। इतने सस्ते? अरे तू सो दे दे। इतने महंगे? कभी सस्ते कभी महंगे, तैने दिमाग की दही कर ली, तू सारे नुई ले ले, पर तू मेरे से ब्याह कर ले। लुच्चे लफंगे तू फेर आ गया, चला जा रहे थे, तुझसे ब्याह करने से अच्छा मैं काले कुत्ते से ब्याह ना कर लूं। अब जा। अरे आजा भाई आजा, देव बैठ बैठ। अरे मैं भी थक लिया, और सुना के हाल है? ये तो उदास सा लग रहा, क्या बात होगी? अरे यार गुड्डन ने नु कह दी तू लफंगा और निकम्मा है, मैं तेरे से ब्याह ना करूं। हाँ तो रहन दे, अगर ऐसी बात है तो टाल कर, तेरे लिए छोरी होकर भी थोड़ी ना। अरे यार मैं उसे पसंद करूं और मेरा ब्याह उससे ना हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो एक काम कर, तू जान ही दे दे। अरे क्या कह रहा तू? अरे ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं, सुन। हाँ तू ठीक कह रहा, कल उसे मैं मर के ही दिखाऊंगा। अरे कहाँ रह गई, एक साल का गोबर आज ही पात है जी के, आज उससे साफ साफ बात करूंगा। ए गुड्डन मुझे साफ साफ बता, तू मेरे से ब्याह करेगी के ना? क्यों आज भी तो तू वैसा ही है, इब कौन से तेरे में हीरे मोती लटक गए? अरे इधर उधर की बात मत कर, साफ साफ बोल। साफ साफ? अरे मैं आज मजाक के मूड में ना हूँ, मुझे साफ साफ बता दे तू मेरे से ब्याह करेगी कि ना करे? ना ना ना, 100 बार ना। फाइनल? हाँ बिल्कुल फाइनल। ले तो आज मैं जहर पीऊंगा। हे भगवान, देव देव, हाय राम, ये तूने क्या किया? मैं तो सिर्फ तुझे सुधारना चाहती थी कि तू अपनी जिंदगी को लेकर थोड़ा सीरियस हो जा, पर तू इतना सीरियस हो जाएगा मैंने यो ना सोची थी। देव मैं तो सिर्फ तेरी थी देव। हे भगवान, मैं कैसे जीऊंगी देव के बिना? देव वापस आ जा, देव मुझे छोड़ के मत जा, मैं मर जाऊंगी तेरे बिना। देव पक्का ना? पक्का। शादी करेगी ना तू? हाँ बिल्कुल करूंगी। अरे पागल रो मत ना, जहर नहीं था, सैद था, बड़ा मीठा मीठा। कभी ने तू कभी ना सुधरा, तन्ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे गुड्डन तू आज तो बड़े दिन के बाद आई है, आ जा बेटी बैठ जा, काम था क्या कुछ? वो मौसी जी, वो मैं तो भूल गई क्या काम था। अरे माँ तेरी होने वाली बहू है, काम से आवेगी, वैसे भी तो आ सके। और हाँ अब तू मौसी मत कहया कर, मम्मी कहया कर मेरी माँ को। जी जी आवाज लगा रही, देखे फिर आऊंगी। ये बैठ तो सही, कुछ खा पी के तो जा, फिर आऊंगी मौसी जी। इसे देव को समझा लेने, बहुत शैतान हो रहा है। कैसे आई कैसे चली गई, मुझे लगा शर्मा की दिखे।
तारी बहुआ थोड़ी बहुत तो शर्माएगी। ज्यादा छेड़ा छाड़ी मत करेगा उसकी गैल, तेरी शिकायत करके गई है वो अभी। अरे थोड़ी बहुत हो जा। दाल बना लो। हाँ दाल बना ले। चल दाल बना लो। टप्पल ओ टप्पल आजा भाई, चंद्रपाल आजा बैठ। अरे ब्याह कर लाया? हाँ भाई कर लाया, उरी देख तेरी भाभी। भाभी राम राम। राम राम देवर जी, और कैसन बा? ठीक बा ठीक बा। वहाँ बैठ वहाँ बैठ वहाँ बैठ, ऐसी जा रही नहीं, वहाँ बैठ, यहाँ बैठ, दूर से कृपा। अरे भाई भाभी तो बहुत खूबसूरत है। हाँ? उसकी बहन भी ऐसी है क्या? हाँ हाँ बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल एकदम दूध जैसी। तो फिर मेरा ब्याह कब करवाना? भाई जल्दी करवाऊंगा तेरा ब्याह, तेरे ब्याह की सेटिंग तो उसी दिन कर दी। पक्का? पक्का बिल्कुल एकदम। हाँ तू तैयारी कर ले बिल्कुल जोर शोर से। तो मैं तैयारी कर रहा हूँ बिल्कुल फुल तैयारी। आजी चार मैं कह रहा हूँ इन छिछोरों से दूर रहकर, ये देवर पेवर बता रही तू, ये एक नंबर के जौर है इस गाँव के, इनका टॉप नाम है इसमें लिस्ट में। अच्छा जी, हमारा के पता? हमारा कहाँ पता, इधर बैठ। अजी उनको भी चाय पिला के भेजत ना। तू मुझे ही पिया लेकर चाय, दूसरे को पिया कर। के कह रहा था तू माँ के आगे? सही तो कह रहा था, तू बहू ना बनने वाली है। पता नहीं मुझे क्यों बहुत डर लग रहा है। क्यों डर रही है तू मेरे होते हुए? हाँ लेकिन पिताजी अपनी बात पर अड़े रहे तो। अड़े रहने दे, हम भी अड़े रहेंगे। हाँ लेकिन मेरा बहुत मन घबरा रहा है, अगर उन्होंने मेरी शादी कहीं और कर दी तो। अगर ऐसा हुआ ना तो सच में जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। इधर तेरे फेरे होंगे, उधर मेरी जान निकल जाएगी, उधर तेरी डोली उठेगी, इधर मेरी अर्थी निकल जाएगी, उधर तेरी माँ तुझे विदा करेगी, उधर मेरी माँ हमेशा हमेशा के लिए मुझे विदा कर देगी। शुभ शुभ बोल, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मर जाऊंगी तेरे बिना। अरे पागल, मजाक कर रहे हो, इस पगली को मेरे अलावा कौन ले जा सके? पागल सा पगली सी, आइंदा से मजाक मत कर दियो। क्यों बे, बड़ी मशहूरी पटाई है तूने तो। अब पटाई है तेरा, कौन सी आग लग रही है? तेरा चाचा की छोरी है के? कुछ ज्यादा जवान चल रही है तेरी। हाँ चल रही है, तू रोकेगा? हाँ हम रोकेंगे। तू रोकेगा? हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा के हो गया। के जरूरत थी तने भिड़ने की? अरे ये गुंडे बने फिर रहे, फर्जी गुंडे। तुझे कुछ हो जाता तो? अरे मुझे के हो जाता, तू बैठ। पता है एक पल को तो मैं डरी गई। अरे तू, मैं जब कह रहा थी मेरे होते तू मत डरे कर। पता ना कहाँ रहेगी। आगी कहाँ थी तू? मैं तो बिमला मौसी के घर गई थी। जीजी मैं कहाँ होती? अच्छा झूठ बोल रही है? देव से जिन तीन लड़कों की लड़ाई हुई थी ना, वे घर आके सारी बात बता के गए। तुझे कुछ शर्म वरम है कि ना? जब पिताजी ने तेर से कह दी कि देव का तेरा रिश्ता ना हो सकता, फिर क्यों तू उसके पीछे पीछे फिरे और क्यों वो तेरे पीछे पीछे फिरे? देख या तो तू समझ जा, ना तो मैं तुझे घर भेज दूंगी। घर भेजना है तो बेशक भेज दियो जीजी, जिंदगी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल ना है। और मेरा देव से मन जुड़ चुका है, मैं ब्याह करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी, वरना मैं किसी से ना करूंगी। यह बात मेरे से ना पिताजी से कहिए, मैं कुछ ना जानती, मुझे बस एक बात पता है कि तू अब उससे ना मिलेगी। मिलूंगी मिलूंगी मिलूंगी, और मैं जरूर मिलूंगी। अच्छा मैं भी देखूं तू उससे कैसे मिलेगी और कैसे उससे ब्याह करेगी।
है? के बात है देव, के देख रहा? भाभी गुड्डन ना दिख रही। के मतलब है तेरा गुड्डन से? मतलब तो तुम सब जानो, मेरा के मतलब है गुड्डन से। देख तुझे साफ साफ कह रही हूँ, आज के बाद इस घर की माई को लखा भी मत लिए, ना तो मेरे से बुरा कोई ना होगा। या कौन सी बात हो गई? हाँ यही बात है, ना तो तेरा इस घर से कोई मतलब और ना गुड्डन से। चल निकल अब। सही कह रही है ये, चला जा यहाँ से। मैं ताऊ के हूँ, यूं ध्यान रख। ना ना सारी बात ठीक है, बिल्कुल एकदम ठीक है। ना 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 भाई, तू मेरे घर मत आइए, मैं ही तेरे घर आ रहा हूँ। हाँ मैं भाई साहब, मेरे घर में एक सुंदर बीबी है, बिहार का सबसे बेहतरीन और टॉप पीस लेके आया हूँ मैं, समझ गया? अरे मेरी रसमलाई, तू क्या झाड़ू लगा रही है? झाड़ू खा? तू झाड़ू लगाने वाली थोड़ी ना, तो प्यार करने की चीज है, झाड़ू मैं लगाऊंगा ना। हम झाड़ू लगाओत बानी, ठीक बा? का बानी? अजी हम झाड़ू लगा के सफाई करत बानी घर के। झाड़ू बानी मैं लगाऊंगा ना झाड़ू? अजी ना, हे भगवान, अगर रउआ लगाएं तो हमारा पाप चढ़ी पाप। रका फूल बती, तू फूल जैसी चीज है, फूल बती मैं लगाऊंगा ना झाड़ू? अजी ना रउआ रह दी, हम खुदे लगा ले। खुद लगाई ले? मैं लगाऊंगा ना झाड़ू। देखो मौसम, आह क्या बेहतरीन मौसम है। ऐसा करता हूँ मैं, जल्दी जल्दी काम निपटा के और फिर करता हूँ झाड़ू वाड़ू लगा के, तुम अंदर बैठो इतने, फिर करेंगे प्यार। हम लगा ले। अरे मेरी लीची, अबे लीची, मैं लगा रहा हूँ ना झाड़ू। मैंने तो तेरे चक्कर में अपने घर का सामान साफ कर दिया, क्या मैं झाड़ू ना लगा सकता क्या? लगा ली रहो। यार मान गई, तो मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो अपने नंबर बना रहा था, हंस गया बेटे। नहीं नहीं फूलबत्ती, नहीं नहीं तू ही लगा झाड़ू, तू मुझे लग रहा बुरा मान गई। अजय आप ही लगा ली ने? अरे मेरी लीची तू लगाना झाड़ू, तू बुरा मान रही है। अजय हम बिल्कुल ही नाराज नहीं किए। मैं कह रही तू ही लगा। मैं कह रही तू लगा ले। ये तो तू पे आ गई, तू ही लगा। तू लगा, तू लगा, तू लगा, तू लगा झाड़ू। मैं तो चली अपने देश, मैं लगा रही। अबे यार 50,000 रुपए लगा के ले आज, ना सजगा इसकी बात ना माननी, और वो भी चंद्रपाल से लिए। चंद्रपाल बड़ा हरामी आदमी है। ले फूलबत्ती, आप यहाँ बैठो, मैं लगा रहा हूँ। हाँ। बैठना, मैं सारे घर के काम कर रहा हूँ। फूलबत्ती मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा सुंदर बीबी के लिए। ज्यादा सुंदर बीबी भी बेकार ही हो भैया, करना पड़ेगा ही। मगर तू आराम करना फूलबत्ती। ठीक बा, ठीक बा। हाँ लीजी आराम कर तू। हाँ ठीक बा। तू लेट जा, लेट जा। हाँ हाँ ठीक बा। खाना भी मैं ही बनाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अजी इतना जोर से काहे मारत हो? कुछ ना, मुझे बिचौलिए की याद आ रही है। बना रहा हूँ, बना रहा हूँ। श्रीलंका का नक्शा बन गया। पर तू चिंता ना कर, मेरी लीची। ई का करत हो? का यहाँ आटा लागत हो? कोयले की दलाली में तो मुंह काला ही होना। नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं।
अली जी भाई मेरी एक बात समझ नहीं आई, मैं से बिहार कर लाया, इसका क्या फायदा हुआ? अब मैं पूरे दिन काम करूँगा फिर शाम को सो जाऊंगा? मुझे तो ऐसा लगे बाढ़ भी बिहार से लाने पड़ते दिखे। अजी सुनत बानी, हमरा पैर में बहुते दर्द होत बा, तनिक दबा दी। हाँ दबाऊंगा दबाऊंगा, तेरे गले में दर्द है वो भी दबाऊंगा। का कहत बानी? ये अच्छी सिर पे चढ़ा ली यार, लोग मुझे गुलाम कहेंगे, पर कोई बात नहीं, मेरा बाप भी तो गुलाम था। कछु कहत बानी का? ना ना ना, मैं तो जब से ब्याह हुआ गुंगा हूँ। अच्छा अच्छा अजय कहाँ हो गए? अजय सुना था नहीं, बहुते थक गए बारनी, पूरा दिन काम करके करके। अरे यार मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा और तू ना मिला, तू यहाँ बैठा के बात है, कैसे उदास है बता भाई? कुछ ना यार, बस ऐसे ही। अरे ऐसे कैसे ना, इतना परेशान तो हमने कभी नहीं देखा, कोई ना कोई बात तो जरूर है, बता जल्दी क्या बात है। अरे यार ना दो दिन से गुड्डन का फोन आया, ना मिलने आई, और उसके घर माई भी गया ना वहाँ दिखी। अच्छा बस इतनी सी बात? अरे मैं हनुमान हूँ, मैं लंका में जाके और सीता का पता लगा के अभी आऊँ। अरे यार तू जल्दी जा। हाँ सुरजीत, अरे सुरजीत भाई यहाँ क्या? सुरजीत भाई के बात है, क्यों आया? अरे मैं न्यू आया हूँ के सरकार किसानों का कर्ज माफ कर रही है, वो स्कीम खत्म हो जाएगी ना तो फार्म भर ले जाके। अच्छा यह बात है, मैं देखूँ चाचा के यहाँ बैठे हूँ। हाँ हाँ देखियो देखियो। हाँ। गुड्डन 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 तुझे यहाँ बंद कर रखा है इन्होंने, तू देख बेचारा बड़ा परेशान है तेरे बिना। है परेशान हो रहा है, उससे कहना वो परेशान ना हो, मैं कुछ कोशिश करती हूँ यहाँ से निकलने की। हाँ ठीक है लाली। हाँ भाई क्या बात है? अरे जो काम था हो लिया। के हो लिया? तू तो कुछ स्कीम स्कीम बता रहा था। हाँ हाँ अभी मुझे जरूरी काम है, प्रधान का फोन आ रहा, उस पर फार्म भरे जाता, उसे मैं फार्म बताऊंगा और बता के भी आया, बाद में बात करूंगा, प्रधान को समझाना बहुत जरूरी है, आपको तो बाद में समझा लूंगा। अच्छा राम राम है। तू भी पता नहीं के करता रहे हर टाइम। अरे के रहा है यार? यार उन्होंने उसे कमरे में बंद कर रखा, मैं अभी देख के आया हूँ। कमरे में बंद? हाँ वे किसी दिन मरेंगे, शाम तक की बाट देख रहा हूँ ना, तो किवाड़ तुवाड़ सब तोड़ दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा, मैं भी चलूंगा और दरवाजा तोड़ने के दरवाजे को खाड़ के जाऊंगे। सुनती है के? हाँ जी। अरे मैं कल तो जा नहीं पाया, आज मैं प्रधान जी का हुआ हूँ, वहाँ देखूँ के हो रहा, और वैसे ठाली पड़ा के कर रहा हूँ यहाँ। हाँ सही कह रहे हो, कर्ज वरज माफ हो रहा हो तो पता करके आओ, कभी हम ही रह जा। ठीक है। हाँ ठीक है।
गया गुड्डन, मर तो ना गई है या? अभी तो यही थी, अब कहां गायब होगी? मैं क्या करूं? हे भगवान, कहां चलेगी यह छोरी? या तो हमारी नाक कटवाओगी? मैं क्या करूं, यही तो थी, अभी कहां गायब होगी? अब मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगी? मुंह काला करवा दिया इसलिए तुम्हारा। अरे आपकी बिटिया तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेती है। जी शुक्रिया, मुझे नाज है अपनी बेटी। मुझे भी अपनी बिटिया को ऐसे ही पढ़ा लिखा कर अंग्रेजी में बोलते हुए देखना है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटे। आपकी बेटी भी जरूर कामयाब बनेगी। और रही बात इंग्लिश की, तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा ऐप है जिसका नाम है डुओलिंगो। डुओलिंगो बेटे, ये क्या है? ये एक पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जिससे हम घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं, और वो भी हिंदी के जरिए। ऐप से सीखना आसान कैसे है बिटिया? मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। यही तो इस ऐप की खासियत है, यहाँ इंग्लिश सीखना बिल्कुल गेम खेलने जितना आसान है। ये तो बढ़िया है। हाँ जी, पर इसे हम मोबाइल पर कैसे लाएंगे? इसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं चाचा जी। और अगर आपको भी इंग्लिश सीखनी है तो डाउनलोड करें डुओलिंगो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मुझे जीजी ने कमरे में बंद करके ताला लगा दिया था। हाँ बताया था मुझे टप्पल ने। मुझे ना लगता ये मारा भी आउन देंगे, क्यों ना हम भाग चले। ना गुड्डन, हम भाग के शादी करते तो पहले ही कर लेते, हम घर वालों की मर्जी से शादी करेंगे। चल तू। तुझसे ध्यान नहीं रखा गया उसका? मैं क्या करती, मैं तो कमरे में उसे रोटी देन गई, देखा वह बेहोश पड़ी, फिर मैं पानी जैसे ही लेने गई इतने में ही लेकर के भाग गई। बताओ मैं क्या करती। कहां थी बेशरम? सन्ना, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, पूरे गांव में थुदू करा रखे उस काली चरण के लड़के के चक्कर में। बेहोशी का ड्रामा करके मुझे पागल बना के चली गई। मैं यहाँ रो रो के बेहाल हो रही हूँ कि छोरी पता ना कहाँ चलेगी। मैडम मजे से घूम के आ रही है। पता कहाँ गई थी? देव को बताने गई कि तुमने मैं कमरे में बंद कर रखी। तू फिर उससे मिलने गई थी? तेरी इतनी हिम्मत? मैं उससे प्यार करूँ और उसी से ब्याह करूंगी। देख ले इसकी इतनी हिम्मत हो गई। अपनी हद में रह ले बेशरम। मैं उससे प्यार करूं और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसी से ब्याह करूंगी। मैं उसके बिना मर जाऊंगी। लाओ जी ऐसे ना मानने, पिताजी को फोन मिलाऊं। मिला लो जिसे फोन मिलाना है। हेलो। हाँ बेटा रेनू। पिताजी, इस गुड्डन ने हमारी नाक में दम कर रखा, लाख मना करने के बावजूद ये आज उस देह से फेर मिलने गई। मैंने उसके लिए एक छोरा देख रखा है, उसका ब्याह पक्का करूं, नहीं तो यू देव उसका पीछा ऐसे ना छोड़ेगा। हाँ सही कह रहे हो पिताजी, जल्दी इसका ब्याह पक्का करो, ना तो हमारी नाक कटवा देगी, पूरे गांव में थू थू करवा देगी या। अच्छा तो मैं एक काम करो हूँ, डब्बू को भेजकर उसे यहाँ बुला लेता हूँ। हाँ पिताजी, जल्दी से इसे ले जाओ यहाँ से, डब्बू को भेज के इसे मंगा लो और कहीं इसका ब्याह पक्का कर दो, ना तो हमारी बच्ची कुछ इज्जत भी मिट्टी में मिला देगी। अब यह हमारे बस की एक दिन भी संभालनी नहीं है। बताओ कमरे में बंद कर ली हमने, सो जतन कर लिए, कैबेरी से समझा ली, लेकिन यह बिल्कुल नहीं मान रही पिताजी। हाँ ठीक है पिताजी, मंगा लो इसे।
देव मेरा मेरा ब्याह ना हो सकता। घर वाले हमारी शादी के लिए नाराजी हो रहे। मैंने बहुत कोशिश करी पर वे ना मान रहे। क्या कह रही है तू गुड्डन? हाँ मैं ठीक कह रही हूँ। मुझे मेरा भाई लेने आने वाला है और बहुत जल्द वो लोग मेरी किसी से शादी कर देंगे। क्यों ना हम भाग चले, मैं तेरे बिना ना जी सकती। भागना ठीक ना है, पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो जाएगी। तू एक बार और कोशिश करके देख लेना। मुझे ना लगता वो लोग हमारी शादी के लिए मानेंगे। उन्होंने हमें अलग करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। ऐसा कैसे अलग कर देंगे? मैं दुनिया जहाँ एक कर दूंगा पर तेरी शादी कहीं ना होने दूं। पहले तो मैं ये सोच रहा था घर वालों की मर्जी से शादी करें, पर अब मुझे लग रहा कि मुझे कुछ उलट सुलट करनी पड़ेगी। देख ले देव, मैं तो तेरे भरोसे पे हूँ। अब मैं चलूँ, मेरा भाई आने वाला होगा। दीदी जल्दी करो। अच्छा दीदी नमस्ते। जीजाजी नमस्ते। ध्यान से जाइयो। ठीक है चलो। शुक्र है भगवान का के बार राज्य खुशी ऐसे चली गई ना। तो मुझे तो नू डर लगे था कि कहीं ये दोनों भाग ना जा, और जो ऐसा हो जाता ना तुम्हारा तो मुंह ही काला हो जाता। सही बात है, अगर ऐसा कुछ हो जाता ना तो सारी बात मारे पास थी और सब लोग नु कहते थारे से संभाल ही ना गई। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब भगवान जल्दी से इसका कहीं रिश्ता पक्का हो जा तो ये देव पेव की टेंशन ही खत्म हुआ है। हाँ सही बात है। बेटे गुड्डन आज कहीं मत जाइए, आज तुझे देखने वाला है। पर पिताजी मेरा किसी और से शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पर वर कुछ नहीं, अगर अपनी बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल है तो तू ऐसा ही करेगी जैसा मैं बोलूँगा। अब भीतर जा और तैयारी कर। अरे देव यूँ तो गड़बड़ होगी यार, गुड्डन का रिश्ता तय हो गया, उसका तो ब्याह हो रहा है यार। क्या कह रहा है तू? मेरे जीते जी तो कभी ना हो सकता। अरे यार रुक जा, अरे देव रुक तो सही, रुक जा। बेटा बहुत अच्छी जगह रिश्ता हो गया है, दो भाई हैं और कोई ना घर में, 20-30 बीघा जमीन भी है और बढ़िया काम है उनका। ये तो बहुत बढ़िया बात है पिताजी, बस अब ये ब्याह और शांति से हो जाए। तुम उसका ब्याह कहीं और कर रहे कहीं हो? हाँ कर रहे हैं, तुझे क्या मतलब? तुम्हें सब पता, फिर भी ऐसा कर रहे हो। मैं उसका ब्याह कहीं ना होने दूं, ईंट से ईंट बिठा दूंगा। और फिर मत किया, तुम्हारे ससुराल में जाकर हंगामा कर दिया मैंने। देख भाई अगर तू सच में उसे चाहे है ना तो उसकी बदनामी कर, ना हमारी पगड़ी उछाल। इतनी बदनामी के बाद ना तो हम जी पावेंगे ना वो जी पावेगी। वो तो इस ब्याह के लिए होगी राजी, अब उसकी जिंदगी में जहर मत घोले। मैं जोड़ू तेरे दो हाथ लाला, अब और तंग मत करे।
अरे आनंद कहाँ रह गया भाई, कल बारात जावेगी, तेरा अभी तक कुछ आता पता ना है। अरे भाई यहाँ रास्ते में घनी बारिश हो गई, यहाँ लैंडस्लाइड हो गई और रास्ता खुलने में टाइम लगेगा। अब मैं यहाँ फंसा पड़ा हूँ, क्या करूँ? जैसे ही यहाँ रास्ता खुलेगा मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा भाई, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी तेरे साथ। चल कोई बात ना, अपना ध्यान रखिए। ठीक है भाई, राम राम। राम राम। जल्दी तैयार कर दो, बारात आने लग रही है। अपनी माँ के बारे में ना सोची। देव एक बार बोल जाए अपनी माँ से। देव एक बार माँ कह दे रहे। अरे तू क्या समझ सकी लियो, तू चुप आ गया। हाँ चाची। के? कौन मर गया? देव मर गया? कैसे? जहर खा लिया? हे राम। गुड्डन, गुड्डन, एक बेहोश हो गई है तो पानी ले आओ। देखियो। अरे तेरा मेरा सारा कोई चला गया। वैसे तू मुझे हर बात बतावे, हर सलाह ले, मुझे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, और आज जहर अकेले ने खा लिया। तू यार मुझे भी साथ ले जाता, मैं तेरे बिना कैसे रहूँगा यार। सुनो गुड्डन, मेरे घर में माँ बाप बहन कोई नहीं है, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। क्या हुआ? जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दवाई दिला दूँ? नहीं नहीं। ठीक है, तुम आराम करो, कोई परेशानी हो तो बताओ। Thank you.
अरे यार कदी आराम से भी आ जाया कर, डरा दी तन्ने। अरे मन ने तो कुछ ना कही, भाभी कही ही। हाँ हाँ मैं जानू कितना सीधा, चल इस अंदर ले चल। आ जा। तुझसे कितनी बार कह दी, 24 घंटे मजाक में मत रह कर। उड़न, अब ठीक है तू? ये मेरा छोटा भाई आनंद, ठेकेदारी के किसी काम से उत्तराखंड गया था, वहां लैंडस्लाइड हो गई, रास्ते बंद हो गए तो शादी में भी ना आया, अभी पहुंचा है। और कैसी लगी तेरी भाभी? कैसी बता रहा, तेर से पहले मैंने देखी होती ना, तू इनका जेठ लगा होता। खैर छोड़, भाभी जी नमस्ते, तुम नहीं हंसते, लाओ हमारे बस्ते, हम चलते अपने रस्ते। भाभी तुम हंसती ना हो, इस मार ना हंसती, अभी घुले मिले ना, एक दिन इतना हंसाऊंगा लोटपोट हो जाओगे तुम। चल अपनी भाभी को ज्यादा परेशान मत करे, शैतान कहीं का। मैं शैतान, तू राक्षस। मैं राक्षस? और के शैतान का भाई तो राक्षस ही हो। बंदर की तरह ज्यादा उछल कूद मत करा, चल यहां से भाग। मैं बंदर, तू चिंपैंजी। मैं चिंपैंजी? मान जा, चल भाग। बड़ा शैतान है। गुड्डन तू आराम कर। ओ टप्पल, ओ बाहर निकल टप्पल, कहा तू? अबे ये यमराज आ लिया, यूं मुझे तंग करेगा, इनने मेरा जीवन खराब कर दिया है। हे भगवान, अब क्या होई? अब क्या होई, तू अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा तू, मैं भी चलूं। ना तो मेरा ब्याह दे रहा, ना मेरा ब्याह करवा रहा, बाहर निकल टप्पल, कहा छुपा बैठा है? अरे मैं यहाँ ना हूँ। घर में ना? मैं आज दावत में गया हुआ हूँ भाई। सही है, तो घर में नहीं है। जिस दिन तू घर में आओगा उसी दिन पकड़ूंगा, उसी दिन तेरी हड्डी तोड़ूंगा। साले पैसे दे दे मेरे ना, मैं अब ब्याह करवा रहा, ना पैसे दे ना मेरे। गया साले ने दिमाग खराब कर रखा। अबे गया सांड, भाई ने कभी से शकल ने मुझे बड़ा दुखी कर रखा। अजी बिया बिया का कहत बा? अरे यार एक दिन मैं नहीं कह दी थी अपनी साली से तेरा ब्याह करूंगा, जब सही मेरे रोज गण गावे ब्याह करवा, मेरा ब्याह करवा। अजी हमार तो कोई बहिने नहीं खे। अरे तो वैसी तो कह दी मैंने, मुझे क्या पता था ये ऐसे करेगा मेरे साथ, रोज सुबह सुबह आके यहाँ बकवासबाजी करेगा। अजी तो रहुआ एक पुलिस में कंप्लेंट काहे नहीं करावत बानी? अरे बावनी वो कंप्लेंट नहीं होती, वो कंप्लेंट होवे है। हाँ हम उहे तो कहत बानी। वो कहत बानी पर हमारे यहाँ कंप्लेंट नहीं होती है, हमारे यहाँ तो गांव राम है, गांव में इस मिनट नहीं मामला, हमने सोची सुधर जाएगी बात, अपने आप ही निमट जाएगी, कोई बात ना। अजी वो सब छोड़ी, रहो खाना खा ली। हाँ हाँ खाई, तेरे ससुरे ने डिस्टर्ब कर दिया आके। हाँ देखा खाई खाई रहो। खाना बहुत गजब बनाती है तुम। लव यू। ठीक बात, ठीक बात।
हेलो हेलो, मैं लीला बोल रही हूँ जानू। लैला? कौन लैला? मैं किसी लैला को नहीं जानता। अरे मैं वही लैला जिसका किया था आपने आंचल मेला। कौन सा आंचल मेला? ये क्या बकवास कर रही है? भूल गए क्या मुझे? तुम इतना प्यार करते थे, मेरे घर आते जाते भी थे। कौन है तू? मैं किसी का घर नहीं जाता, बकवास बंद कर। अरे मैं वही लैला जिसको तुमने दिए थे पैसे भरकर थैला। कौन रखेगी? खुराक लेगी? हाँ खुराक ही दे दो। अच्छा तू है शैतान, आजा अंदर को आजा, मैं बताऊंगा तुझे, मार मार के तेरा भूत बना दूंगा। अरे भाई मैं तो नू कह रहा, चाय ठंडी हो रही है चाय पी लो, या भाभी की सेवा में लगा रहेगा, हमें भी करने दे भाभी की सेवा कुछ। मैं आ रहा हूं। हाँ भाई क्या करती हो? भाई चाय। अरे भाई भाभी की भी बनाई है। ला भाई उसे भी दे दे। ब्याह हो गया पता कुछ नहीं। गुड्डन गुड्डन उठ ले चाय पी। आपने क्यों बनाई चाय? मैं ही बना देती। मैंने ना बनाई, तेरे देवर ने बनाई है। उन्होंने भी क्यों बनाई? मैं ही बना देती। तेरी तबीयत खराब थी इसलिए उठाना तुझे ठीक ना समझा। मैंने उठाना ठीक ना समझो? ओहो भाभी के लाड लड़ाए जा रहे हैं, कभी कदा मेरे भी लाड लड़ा दिया कर। आ जा मुन्ना तेरे भी लाड लड़ाऊंगा। आ जा। बड़ा नौटंकी आवाज है तुम्हारा देवर। सुन वे नौटंकी आवाज, अपनी भाभी को बजा ले जाइए, जो तेरी भाभी खरीदना चाहे वो खरीदवा दिए, जो खाना चाहे वो खवा दिए। तुझे तो पता मैं तो रहूं दुकान पे बिजी, अब तुझे रखना अपनी भाभी का ख्याल। ठीक है भाई मैंने ले जाऊंगा, और कौन ले जाएगा? आखिर मैं ही तो एकलौता प्यार सा देवर हूं इनका। हाँ हाँ चल भाग अब। हाँ हाँ जा रहे हूँ, मुझे पता मैं कबाब में हड्डी बन रहे हूँ, करो बात। बहुत नौटंकी बात। अरे टप्पल। हाँ भाई बहुत अकड़ा गई तेरे में तो, राम राम शाम शाम कुछ नहीं। अब मैं राम राम क्यों करूँगा? अब तो मेरा ब्याह हो गया, मैं तो अपनी घरवाली से राम राम करूँगा अब। अच्छा जो ब्याह हो जाया करे तो फिर राम राम शाम शाम करना भूल जाए, इतनी अकड़ में आ जा। हाँ भाई ये तो बहुत गलत बात है, जब तो तेरे जैसों का ब्याह ना होता, तेरे जैसे रनवे ही सही। अरे भाभी मुझे तो ऐसा लग रहा तुझे ज्यादा आग लग रही है मेरे ब्याह होने से। मुझे तेरे ब्याह की आग लग रही है? हैं मारे उन्होंने तो तेरा ब्याह करवाया और मुझे ही कह रहा कि तेरे ब्याह से आग लग रही है। भाभी उन्होंने तो तुझे बताया ना होगा, नू तू हूं दे रही मेरा ब्याह, तू मेरा बन्नो पठान देवे, तू गांव की सबसे जलनखोर औरत है। के कही? मैं जलनखोर हूं? हां भाभी ऐसी कहूंगा, जलनखोरी जलनखोरी जलनखोरी। हां मेरे बाप के पोते नलाख खुरपे से मुके, अब हमारे घर में कदम भी मत धर दिए, जो हमारे घर के बाहर भी दिखे ना तेरी टांग काट दूंगी। भाभी भाभी मोटरसाइकिल चाबी दे जाइए। लाई लो। भाभी मैं बाजार जा रहा हूँ, तू मेरे साथ चल कुछ खरीद लाइए। नहीं नहीं मेरे पास सब कुछ हैगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तो बता दूंगी। ना भाभी तू साथ चल, भाई गुस्सा हो जाएगा। ना होवेंगे, मैं बता दूंगी उनको कि आप जिद कर रहे थे, मैं ही नहीं गई। ठीक चलें धोगी ढाल, कमीने दोबारा मिल मत जाइए।
अरे भाभी थी एक पागल सी, मेरी मोटरसाइकिल टकरा के गारा में गिर गई, फिर उसने एक बाल्टी गारा ठाकर मेरे मार दी, पर भाभी थी बड़ी कमाल की। अच्छा ऐसा है के? हाँ भाभी। तो जब इतनी पसंद आ रही है तो उससे जाके ब्याह कर लो। ना भाभी, पहले तू देख कहिए, तेने पास कर दी तो आगे बात बढ़ा देंगे। ना ना मैं कैसे, तुम खुद ही जाके देखो। ना ना भाभी चलना पड़ेगा, तेरे बिगर काम ना बने। ना ना मैं ना जाऊं, तुम ही देखो। भाभी चलना पड़ेगा, ना तो जबरदस्ती खींच के ले जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, कल चलते हैं। ठीक है भाभी, डन। हेलो हेलो गुलू गुलू, बिहारी को हिंदी में कैसे समझें? चाचा है क्या? हाँ है चाचा, कैसा आ रहा? चाचा राम राम। राम राम, कैसा है तू? चाचा राजी खुशी पूछने गया था। ए भाई एक बात बता, जब से मेरा ब्याह हुआ तुम्हारे घर के चक्कर बहुत काट रहा है, हमारे घर के आसपास ही मंडराते रहे तू, क्या बात है भाई? ना चाचा सी बात नहीं, अब मुझे पता लग गया बड़ों के पैरों में ही छोटों की जन्नत हो। तू जन्नत की बात कर रहा, जब मैं भूखा मरिया तेने कभी रोटी नहीं बुझी, कभी पानी नहीं बुझा, आजकल बहुत सेवा में लग रहा तू मेरी है। चाचा एक बात बताओ। हाँ बता। हमारे तो आगे लेट खुली, अब तेरी सेवा करनी दबा कर बस। पर एक बात बताओ। हाँ? माल बहुत खड़ा ला चाचे की कसम। साले चाचे को माल बता रहा, शर्म नहीं आती? चाचा एक बात बता दो फिर, तू आज भी काला कौवा और चाची बिल्कुल माल, चाची हरी मिर्च लग रही। साले फैट जुआ। ए दुल्हनिया ये घूंघट काट दे कर, हमारे यहाँ कौवे बहुत हैं, उनकी नजर बहुत लगे। हाँ क्यों करे तू नू? साले मुझे पता कौन सा कौवा किस जाल में बैठेगा, तेरे सुतरे सारा गांव पीछे पड़ेगा। है? समझ नहीं रही बात को? ए दुल्हनिया लव यू। भाभी तैने पास कर दी ना, फिर नुमान सब ने पास कर दी। अभी तो वहां चल के पता लगेगा। हाँ कैसी है? बैठू? बैठू के? बैठ भाभी। ये तो बहुत सोनी है। तो मैं सोनी लगी? हाँ। फिर क्या दिक्कत है, आगे ना बात बढ़ा देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो मेरी देवरानी बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सही कह रही है भाभी। अरे भाभी कुछ ऐसा बता वो मुझे पसंद करने लगे। अच्छा तो कोई अच्छा सा गिफ्ट ले जाओ उसके लिए। अरे वाह इतनी शुद्धि ना है, वो कौन सी मेरी दोस्त है जो गिफ्ट से मान जाएगी, कुछ बड़ा सा प्लान बता। अच्छा तो फिर सुनो, ठीक है ना? भाभी तेरा प्लान तो बहुत अच्छा, पर तू सच बता वह सोनी तो है? मुझे तो वो बहुत सोनी लगी। अरे झूठ बोल रही है, तेर से सोनी ना है। अच्छा हाँ सच्ची। तेरी बिंदिया की जब बात करूं आँखों का काजल भूल पड़े, अब चांद की हमको नहीं लोड तेरा कर दे नूर उजीता सा, अब चांद की हमको नहीं लोड तेरा कर दे नूर उजीता सा, लग तेरे रूप के आगे भाभी को ही नूर भी फीका सा, लग तेरे रूप के आगे भाभी को ही नूर भी।
आख्या का काजल बोल पड़े, तेरी चूड़ी की जब बात करूं पैरा की पायल बोल पड़े, तेरी बिंदिया की जब बात करूं आख्या का काजल बोल पड़े, तेरी चूड़ी की जब बात करूं पैरा की पायल बोल पड़े, तेरे मुखड़े आगे टिकता ना वो चांद बिदाग तकीला सा, तेरे मुखड़े आगे टिकता ना वो चांद बिदाग तकीला सा, लगे तेरे रूप के आगे भाभी कोही नूर भी फीका सा, लगे तेरे रूप के आगे भाभी कोही नूर भी फीका सा, जब बात करूं होठों की लाली बोल पड़े, तेरी नथनी की जब बात करूं कानों की बारी बोल पड़े, तेरे कानों की जब बात करूं होठों की लाली बोल पड़े, तेरी नथनी की जब बात करूं कानों की बारी बोल पड़े, हर दिल पे सीधा असर करे तेरा नेचर मीठा मीठा सा, हर दिल पे सीधा जब बात करूं तेरा बोला पनियों बोल पड़े, तेरी गर्दन की जब बात करूं तेरी कमर की लचकन बोल पड़े, तेरे नखरे की जब बात करूं तेरा बोला पनियों बोल पड़े, तेरी गर्दन की जब बात करूं तेरी कमर की लचकन बोल पड़े, यो मन मेरा भी बिन तेरे हो जासे बिल्कुल रिता सा, यो मन मेरा भी बिन हाँ भाई क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, ये तो पागल है ऐसे करता रहता है। चलिए आप। अब मेरी लीची, मेरी डार्लिंग जाने मन, तू रोटी बना दे मुझे भूख लग रही है। अजय अजय हम अभी बनाओ तो बानी। के ना बना रही? क्यों ना बना रही? अजी हम कहत बानी कि हम अभी बनावत बानी। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं बना रही? मैं तुझे ब्याह के ले आऊं, रोटी तू ना बनावी तो कौन बनाएगा? हम यही तो समझावे के चाहत बानी कि हम अब ही बनावत बानी। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं बनावत पारी? अजी हम कहत बानी कि हम अब ही बनावत बानी। हाँ अच्छा, तू नू कह रही है कि मैं अभी बना रही हूँ। हाँ। यार ये अच्छी मुसीबत में फंस गया मैं तो बिहार से ब्याह करके, अब हर बात को मैं गुलू गुलू का डाल के चेक करूंगा क्या? अब तू एक काम कर ले यार लीची, या तो तू मेरी भाषा सीख ले या मैं तेरी सीख लूं। अजी हम दोनों के जो बच्चा हुई ना, हाँ वे हम दोनों के भाषा सीख ली और वे हमने के समझा दी। हाँ यही तो, तेरी भी छोड़ेगा और मेरी भी छोड़ेगा लीची। पर एक बात बता, ये तेरा नाम लीची क्यों रखा? अजी हमारे गांव में बहुत ज्यादा लीची हो खेला तो हमारे मम्मी पापा इसे हमार लीची नाम रख देलन। यार यू के बात हुई, ऐसा तुम्हारे गांव में आम बतेरे हूँ मैं, अब मेरा नाम आम होना चाहिए क्या? अजी हाँ ये तो बिल्कुल सही, तो हर तुम मुँह बिचू से ला आम जी सुनबा, ये नाम तोरा पे बहुत ही अच्छा लगी, अब आज से हम तारा के चुसेला आम कह के बुलाए। बे मेरे ससुरे की मेरी तारीफ कर रही है बुराई? ठीक बा अब हम रोटी बना के मैं उतरा। अबे यार एक बात समझ नहीं, यू प्यार प्यार में मेरी बेइज्जती करके दिखे है। खैर कोई बात नहीं, यू तो अपनी घरवाली है, मेरी तो आधे गांव की वीरपरिया ने बेइज्जती कर रखी, कोई बात नहीं। और फिर सुन, मेरी माँ भी मेरे बाप की बेइज्जती कर दी कई बार, बल्ले देखी।
मर गया। अरे मर गया रे, ओ घनी चोट लगी दिखे। अरे कैसे कैसे लोग हैं, इंसानियत का कोई जमाना ही ना रहा। मेरा चोट लग गई, नू भी ना पूछ रही, तुझे मल्लम पट्टी कुछ लगाऊं। अरे के हो गया तेरे, तुझे दीख ना रिया, मेरा चोट लग गई। तो चोट के मने मारी है? अरे तन्ने ना मारी, पर पूछ तो सके किसी का चोट लगी गई हो। मैं के डॉक्टर हूँ। अरे डॉक्टर ना, थोड़ा बहुत सहानुभूति के पूछ लेना। चलो बैठ। यह भी स्टार्टअप ना हो रही। आओ और रा, ओ मर गया रे। और बता कहाँ लगी है? मेरे यहाँ भी लगी है, यहाँ भी लगी है, यहाँ भी लगी है, और यहाँ भी लगी है, और यहाँ भी लगी है। आई सोच समझ कर बता कहाँ लगी है? मेरे यहाँ लगी है। यस, बात बढ़ गई। चल भाई अब। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुम ठीक भी ना हुए। तन्ने दवाई लगा दी और मैं ठीक ना हूँ, ऐसा हो सके है के? इसे तुम अपना ही घर समझो, चाहे तो थोड़ा आराम और कर लो। ना ना, तेरे घर के आ गए तो कुछ गलत सलत सोचेंगे। मेरा इस दुनिया में कोई ना है। ओहो, पर अब तुम ऐसा मत सोचो, अब इस दुनिया में तुम्हारा कोई है। अच्छा मैं चलू हूँ, भाभी घर में अकेली है। क्यों, भाई कहाँ है तुम्हारे? भाई तो दुकान पर रह, भाभी की ध्यान रखने की जिम्मेदारी मुझे ही दे रखी है। अच्छा ले भाभी की बात करें, भाभी का ही फोन आ गया। हाँ भाभी, ठीक है, अच्छा आ रहे हूं मैं, फिर बाजार चलते हैं। ठीक है भाभी, चल तो मैं चलता हूं, कह के मुझे भाभी को है ना बाजार लेके जाना है। ठीक है जाओ। ओहो बड़ी चमक मार रही है चेहरे पे, कौन था ये मजनू? था कोई पराया जो अब अपना लगने लगा। ओहो लगे मारी मोनिका को प्यार होगा दिखे। चुप कर और बता के खाओगी? अब तो बस तेरे ब्याह की दावत ही खाऊंगी। तू चुप होवेगी या मेरे से मार खावेगी? आजा कुछ खाते हैं। और क्या कर रही है आजकल? कुछ नहीं यार, घर बोर हो रही थी, मैं सोचा तेरे पास ही आ जाऊं। बढ़िया करा। कैसे उदास बैठी है? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही। मैं समझ सकूं, इतने बड़े घर में तो अकेली बोर तो हो रही होगी, ना माँ है ना बहन जो तुझसे बात कर सके। हाँ भाई, इतना बड़ा परिवार छोड़ कर आई है तो याद तो आती होगी। भाई एक काम ना करें, भाभी को कोई घुमाने ले चलते हैं। हाँ ये सही कह रहा, इस बहाने इसका मन भी बहल जाएगा। पर भाभी मेरी बाइक पे चलेगी? क्यों भाई, घर वाली मेरी है तेरी? अरे भाभी तो मेरी भी है, मेरा भी कुछ हक बनता होगा भाभी को घर ले जाने का। मेरी बाइक पर चलेगी, जोक सु भाभी से पूछ ले तू। सही कह रहा, तो इस बहाने इसका मन भी बहल जाएगा। ठीक कह रहा भाई, चल भाभी घूमने चलते हैं। चलो भाई। भाई गोलगप्पे खावांगे? अरे जो मर्जी वो खा लियो, चलो तो सही, बाकी से पूछ ले क्या खाएगी। हाँ ठीक कह रहा, भाभी से पूछ लेंगे। भाभी तू मेरी बाइक पे बैठिए। क्यों भाई, तेरी बाइक पे क्यों बैठेगी, मेरी बहू है मेरी बाइक पे बैठेगी। अरे मेरी भी तो भाभी है, मेरी बाइक पे बैठेगी, भाभी से पूछ ले। हाँ हाँ तुम्हारी पे बैठ जाऊंगी। ठीक चलो भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी।
चलो तो सही। जल्दी आ जाओ अब। आ जा भाभी। भाभी चाउमीन भी खा मंगे। ठीक है। देख रहा है चाचा, बहू किसकी और लेके कौन जा रहा है? सही कह रहा है भाई, गांव में पता ना क्या क्या नई रही चल रही। अबे क्या कर रही है मेरी दुल्हनिया, मेरी लीची? अजय हम काम कर रहे थे, हम एक आहत बानी कि रउआ बाजार जाई, वहां से चाउर कीन के ले आई, हम होकर भात बना के खाई। भात खाई? अबे भात किसका दीवारी है, भात तो हमारे तो बहन के बालक ही छोटे छोटे हैं अभी। अजय हम कहत बानी भात खाई, भात बना के। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ भात खाते नहीं है, देते हैं, भरते हैं भात को। हे राम, हम कैसे समझाई, हम ई कहत बानी बाजार जाके चावल खरीद के ले आई, हम होकर भात खाएं। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ भात खाते नहीं है, देते हैं। भात का बिल्लू कितू कितीर पता नहीं, आई बिल्लू आई बिल्लू, मेरे को समझ में नहीं आ रही यार। अजय हम कहत बानी भात बनाई बनाई खाई, बना के खाई। ओहो चावल की कह रही है। हाँ। मैं चावल तो ले आई, पर एक बात बताई, हमारे बच्चे कितने होंगे? यस अजी पूरा के पूरा 10। 10? 10 बच्चे होई? नहीं हम करेंगे 11, पूरी क्रिकेट टीम बना देंगे ना। बिल्कुल। अब एक बात तो बता दुल्हनिया, हम बच्चों का नाम क्या धरेंगे? तिल्लू पिल्लू चुया पुदीना। ना हम धरेंगे पदोड़ा हगोड़ा मुट्टू पोच्चू। हाँ जी हाँ, फिर हमार फैमिली बहुत बड़ा हो जाए, पूरा गांव में हमारी नाम गुंजी। हाँ, ये लोग नु क्या करे ना, इसका ध्यान होता अब देख पूरे गांव में जनसंख्या फैला दूंगा, और सबके दरवाजे पे किसी पे हगेंगे, किसे मुत्तेंगे, रोज लड़ाई ले जाया करेंगे। अब मजा होगा जब कहेंगे इनके बालक है, ये जनसंख्या फैला दूंगा। अब रहो भात लेके आई, चावल लेके आई। हाँ मैं चावल ला रहा, और तू अपना भात खाइए या करिए, मैं जा रहा। ठीक बा। लव यू दुल्हनिया। यस ले भाई खा गोल गप्पे। अरे भाई भाभी मेरे हाथ से खावेगी? क्यों मेरे हाथ से कड़वे लगाए? कड़वे ही मान भाई तेरे हाथ से, ले भाभी। हेलो। हाँ मोनिका। कहाँ हो आनंद? अरे मैं भाभी को गोलगप्पे खवा रहे हूँ, चल थोड़ी देर में बात करेंगे। अच्छा लाताओ बढ़िया से दे दे। छोटे का तो सही है, अंग्रेजी की वजह से कई काम आसान हो गए उसके। एकदम सही बात कही भाई आपने। अरे क्या हुआ भाई, हो उदास लग रहे हो? 100 साल जियोगे तुम, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था, तुमने अंग्रेजी में तो पढ़ाई कर ली, बस हम ही पीछे रह गए। उदास क्यों हो भाइयो, चलो मैं आपकी परेशानी दूर करता हूँ। ये देखो डुओलिंगो है। ये क्या है? ये डुओलिंगो की सबसे बड़ी फ्री भाषा सिखाने वाली एप्लीकेशन है, मैं यहीं से इंग्लिश सीख रहा हूँ। ये तो बढ़िया ऐप लग रहा है जी। इस ऐप में भाषा सीखने के तीनों एस्पेक्ट कवर है, जैसे पढ़ना लिखना बोलना, जिससे इंग्लिश सीखने में बहुत आसानी होती है। पर हमारे पास इतना टाइम कहाँ है जी? इस ऐप पे आपको बस दिन के 10 मिनट देने होते हैं, और ये ऐप आपको रोज का रिमाइंडर देगा, ताकि आपकी रेगुलर एक्सरसाइज हो सके और आपकी आदत बनी रहे। अच्छा अच्छा, ये राज था तुम्हारी इंग्लिश के पीछे, चलो सही है, हम भी आज से सीखना शुरू करते हैं। जी हाँ, अगर आपको भी इंग्लिश सीखनी है तो अभी डाउनलोड करें डुओलिंगो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मोनिका, ए मोनिका, अरे कहाँ चली गई? मर गई मोनिका। मर गई? तू तो यहाँ खड़ी। अच्छा होगा जो तुम मुझसे दोबारा ना मिलो। ऐसा क्यों हो गया? जाओ तुम अपनी भाभी को गोलगप्पे खवाओ। भाभी तो है, गोलगप्पे खिला दिए। भाभी ही है या कुछ और चक्कर चल रहा है? तुमने उस औरत के लिए मुझे थप्पड़ मारा? अभी तो थप्पड़ मारा, भाभी के बारे में कुछ कही ना, पता नहीं क्या कर दूंगा।
देखा रिंकी तने, उसने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ तूने उसे जो बात कही ऐसी बात कौन बर्दाश्त करेगा? रिंकी जब देखो भाभी भाभी भाभी, भला भाभी की तारीफ इतनी कौन करता है? मुझे तो उस पर शक हो। तो क्या हुआ मोनिका, भाभी माँ के समान हो और थोड़ी सी तारीफ कर दी तो क्या हुआ? तुझे उसकी भाभी के बारे में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, गलती तेरी है। मेरी गलती क्यों होती? मेरे लिए तो टाइम ना है और भाभी को गोलगप्पे खवाता फिर है। चल छोड़, तू परेशान मत हो, आजा बैठ। क्या हुआ साहब को, आज कैसे मूड खराब है? कुछ ना भाभी। अच्छा, चेहरे से साफ पता लग रही है, ठीक है छुपा लो हमसे। अरे भाभी उस मोनिका से लड़ाई हो गई। क्यों भाभी, एक बात बता। हाँ। अरे भाभी तेरे मेरे बारे में गलत सलत कह रही, नू कह रही तू अपनी भाभी को गोलगप्पे खिला रहा, बता ऐसा कहेगी तो गुस्सा ना आवेगा? मैंने दिया एक हेप्टा। हे राम, ये क्या किया तुमने? ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे प्यार से समझा देना चाहिए था। वो प्यार करती है तुमसे तो उसका हक है शक करने का। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरी भाभी का गलत सलत कहेगी? मेरे पे ना होवे बर्दाश्त। अच्छा कल अब मुझे उसके पास ले चलना, मैं उसे प्यार से अच्छे से समझाऊंगी। और गुस्सा थूको, खाना बना रही हूँ, खाना खा लो। मुझे ना खाना खाना वाना, मुझे ना भूख। अरे सुनो तो सही। हे भगवान। अबे मेरी लीची, आजा आजा तू, अबे आजा लीची, अरे आजा आजा और आजा आजा टप्पल। ओ टप्पल, ये ससुर का नाते फिर आ गए। बेटा आज तो गेट भी खुला मिल गया, या तो मुझे पैसे दे नहीं तो मुझे चाहिए बहू। अरे रवो कैसे मर्द बानी, ये रोज आके रवो धमका धमका के जाला। अच्छा ऐसी बात है? अभी नहीं, पैसे दे अन्नी बहू दे। ला मैं तुझे बहू भी दूंगा और छापा भी। बहुत बढ़िया, आप प्यार करें एक तो जरूरत रखा। तो सही है, दुखी कर दिया। अब भैया तो ऐसा हूँ मैं पहले बदमाश भी था जैसे पहले। क्या हुआ, कैसे परेशान सी बैठी है? रिंकी, आनंद ना तो कई दिनों से आ रहा है और ना उसने मेरा फोन उठाया। गलती तो तेरी है, तुझे उससे ऐसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। तो ठीक कह रही है। मुझे लगता है तुझे उसके पास जाके उससे बात करनी चाहिए। तो ठीक कह रही है रिंकी, मुझे उससे बात करनी चाहिए। अच्छा सुन, प्यार से बात करियो और उसे माफी मांग लेना। अजी
उस ससुर के नाती के रवा तराते पीट देनी हा। अब तो जानवर बस जानवर, अगर वो दोबारा आ गई तो का हुई? का हुई? फिर मारेंगे? अरे जानवर तो जब ही है ना जब हम शरीफ है, नहीं तो जानवर तो हमारे खूंटे में बंध रहे। और अब की बार चू चपट करी, अब की बार देख उठ देख उठ। और तू एक काम कर, वो थपकी रख ले लेके। थपकी? हाँ। ये का हो खेला जी? अरे वो कपड़ा पीटने वाला होता है वही। अच्छा अच्छा। अबे टप्पल, तूने मुझे पिट्टा रहा? अबे यार, तू इतना बड़ा सांड और मैं छोटा सा आदमी, यार तुझे कैसे पीट सकूं? और फिर मैं तेरा कर्जदार भी तो हूँ। अरे यार मुझे तो पता नहीं, कल रात पता नहीं मुझे किसी ने पीट दिया और मुझे याद ही नहीं। और भाई मेरा गोट यहाँ मारा और मेरे तो दही तोड़ दिया यार, मैं बहुत परेशान हूँ यार। भाई एक बात तो है, जिसने तुझे फोड़ा बहुत घनी बुरी तरह फोड़ा, कोई पुरानी रंजिश का बदला लिया। हे भगवान, देवर जी रहुआ के तो पीट पीट के कुत्ता बना दे ले बा। भाई अब एक काम कर, जिसने तुझे फोड़ा उसे ढूंढेंगे और पकड़ के वहीं पिटेंगे। चल हम अभी आवत है। ठीक बात ठीक बात। योके हाल बना रखा है? भाभी मैं तेरे अपनी माँ मानू हूँ। हाँ मैं जानती हूँ। जब तेरे मैं अपनी माँ मानू हूँ तो उसने तेरे मेरे बारे में बकवास कैसे करी? तू मेरी माँ है के ना? हाँ हूँ मैं। फिर वो मेरी माँ के बारे में गलत क्यों बोली? मैं अपनी भाभी के साथ गलत हो सकूँ के? हाँ भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं जी, ये एक लड़की से प्यार कर रहे हैं और उनसे इनकी लड़ाई हो गई। है कमाल कर दिया तेने, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है। आप चलिए मैं खाना बना देती हूँ, हाथ मुंह धो लीजिए। भाभी अब चुप हो जाओ और ऊपर बैठो, उसके पहले चुप हो जाओ, चलो आराम से और टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। चलो खाना बनाऊंगी, खाना खाइयो। अजी सुनत बानी? हाँ। अजी हमरा नु फिल्म देखे के बहुत मन करत बा। हाँ। अरे मेरी लीची तेरे तो मेरी जान भी हाजिर है, बता कौन सी फिल्म देखेगी? अजी हम देखम बेला की जवनिया। बेला की जवनिया? हाँ। ना ना हमारी ये न चलती, हमारे चला खजली का लहंगा, भैंस का बदला। अजी ये सब तो हमरा समझ में बिल्कुल ही ना आई, ये तो हमरा सर के ऊपर से जात बा। अच्छा। हाँ। तो फिर देखेंगे टकलू का बिया। हाँ। ये बहुत ही अच्छा बा। चलो आजा। चल लेकिन ए जी आज तो खाना खाके बहुत ही मजा लागल। हाँ मजा आऊगा मजा आऊगा। अब भाभी कतई जहर हो रही है रे, माल तो कतई जहर है। तू ताली क्यों बजा रही है? ए जी हमरा के बहुते बहुते सुंदर बतावत बा। अरे सुंदर ना बता रहे, तू यहाँ छेल रहे ये। अरे टप्पल कहाँ ले जावे इस माल को, हमें ही दे जाता। साले के मारा बहुत मारा। भागे 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 भागे। घूंघट काट घूंघट काट, मेरे चक्कर में पूरा गांव पीटना पड़ेगा मुझे। चल घूंघट काट के रखे कर, ये कौवे बहुत है। हाँ समझ गया। अभी टप्पल तने ब्याह कर लिया और ब्याह के रसगुल्ले भी न खवाए, वो खुद ही मरती ले घूम रहा। अरे कभी इसके हाथ की रोटी हमें भी खिला दियो। हाँ हाँ तू लोगन हमारा घर आ जाइया, हम भात बना के तोरा के खिलाए। का भात भात का भात? अरे तेरा रिश्तेदार है, घर ले जाए भात खिलाई भात खिलाई। सौरव तुम्हें मैं दूंगा भात। तो घूंघट काट घूंघट काट। ठीक है मेरे काली घूंघट काट, यहाँ कुत्ते बहुत है। चल तेरे वजह से छाला फड़ा हो रहा है। जी, हाँ जी हम वहाँ जाके पाइप कॉर्न भी खाएं। ए पॉपकॉर्न होता है वो? हाँ। और ए जी सुनी ना, हम वहाँ जाके स्प्राइट भी पियम। हाँ स्प्राइट पीना। अबे टप्पल। हाँ भैया। कहाँ जावे? भाई फिल्म देखने जा रहा हूँ। फिल्म? हाँ। साले फिल्म देखता फिर रहा ना, तो तुम मेरा ब्याह करवा रहा ना मेरे पैसे दे रहा, ऐसे कब तक चलेगा भाई? भाई तेरे माथे चावल लगने वाले, सारी बात सेट हो रही है भाई।
ये साले मत्ते चावल लगेगा मुझे ये बता। बहुत जल्दी लगेंगे, सब सामान सेट कर रखा मैंने, ऐसी लौंडिया लौंगा छांट के तेरे मजा आ जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता या तो मेरे पैसे दे नहीं, मैं तो तेरी बहू से ब्याह। ओ भाई बहू छोड़ दे यार, बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है, मैं पैसे दूंगा ना। ई का करत बा, ए ससुर के नाती हमर हाथ छोड़ जल्दी। भाई मैं पैसे दूंगा ना तेरे, मैं तेरा ब्याह भी करूंगा भाई, मैं कह तो रहा हूं। पक्का? पक्का करूंगा। देख ले, नहीं तो तेरी बहू पूरा कर ले जम्मा। हां हां ठीक है चल लीजिए। फिल्म? अरे ये फिल्म ही तो थी, मजा ना आया क्या? ए जी ये कैसा फिल्म था? अरे ये फिल्म थी सांड का बदला, इसका हीरो मैं था, हीरोइन तू थी और वो था विलन सांड। हाँ। ए जी लेकिन वो पिक्चर हॉल वाला फिल्मों का भेल? अरे यार एक तो यमराज यहाँ मिल गया और आगे जाने कितने मिलेंगे, चल घर चल। ए जी ससुर के नाती हमने के हर बार डिस्चार्ज कर दे वाला। डिस्चार्ज नहीं बाबू, डिस्टर्ब होता है वो। हाँ, चल। लो चाय पियो। मुझे ना पीनी। परेशान मत हो, लो चाय पियो। मुझे लगता है तुम्हें एक बार वहाँ जाना चाहिए, क्या पता बिचारी वो अपनी बात पर ही खुद पछता रही हो। मुझे ना जाना। अरे छोटी मोटी बात पर नूर रिश्ते खत्म ना हुआ करते। अरे भाभी तू इसे छोटी मोटी बात मान रही है, या तो बहुत बड़ी बात है और खराब भी। एक बार वहाँ जाकर तो देखो, क्या पता वो बिचारी अपनी बात पर ही शर्मिंदा हो। रिश्ते बिगाड़ा ना करते, अभी तुम्हें रिश्तों की अहमियत ना पता। जहाँ प्यार होवे वहाँ शक भी होवे और लड़ाई भी होवे, दिल के रिश्ते नू थोड़ी ना टूटा करते। ठीक है भाभी, जाऊंगा। आनंद मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। कोई बात ना, अब मेरी समझ में आ गई, तू मेरे से प्यार करे और प्यार की पहली निशानी शक हो। आनंद मैं अब कभी कोई गलती नहीं करूंगा। अरे वाह, खाना लिया है? गुड्डन गुड्डन गुड्डन, हेलो डॉक्टर साहब। मुबारक हो, आपकी वाइफ माँ बनने वाली है। डॉक्टर साहिबा, इतनी अच्छी खबर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाचा बनने वाला हूँ। आपको इनका खास ख्याल रखना होगा और समय समय पर इनका चेकअप करवाते रहना। अब मैं चलती हूँ। ठीक है डॉक्टर। भाभी आज से बाद में कोई भी बोझ का काम नहीं करना, सारे काम मैं करूँगा, बस रोटी बना देख रही हो और आराम करो तुम। यार भैया टप्पल, मैं तो तेरे घर को जा रहा था। क्यों जा रहा था मेरे घर? अरे मेरी बहू देखने जा रहा, सारा गांव बावड़ा भरा मेरी बहू के चक्कर में। अरे क्यों जा रहा मेरे घर? अरे भैया मैं तो दावत देने आ रहा था, खामा खामा फेंक दिया। सारे दावत देने घर ही आ रहा हूँ मैं, चल।
अरे आनंद, अपनी भाभी को हॉस्पिटल ले जाइए, डॉक्टर नहीं कह रही तो उसके कई चेकअप होंगे। ठीक है भाई, जब मेरी जिम्मेदारी तो मैं ही ले जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा डायलॉग मत मारो, टाइम से ले जाइए। ठीक है भाई, टाइम से ले जाऊंगा। सुनो, अपना टिफिन तो लेते जाओ। हाँ हाँ जल्दी, मैं तुम्हें टिफिन ही भूल गया। और सुनो, ध्यान से जाइए, कोई रोक टोक ना हो जाए। ठीक है। आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, भगवान ने चाहा जल्दी ही आप प्यारे बच्चे के बाप बनेंगे। डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हो, मैं बच्चे का चाचू हूँ, ये मेरी भाभी माँ है। सॉरी, आप साथ आए, मुझे लगा आप इनके पति हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, दरअसल मेरे बड़े भाई दुकान पर बिजी रहते हैं, तो इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मैं निभाता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं सब समझ गया, ये काफ़ी कमज़ोर हैं, आप सब लोग इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। चाचा, इस गांव का तो हो लिया नाश। क्या हुआ? तू देखना राखे के क्या हो रहा है। पता ना क्या चक्कर है, ये राजू की बहू हर टाइम आनंद के साथ घूमती रहे। चाचा मुझे भी वही लगा है, किस राजू की बहू का पैर भारी है। लगा तो मुझे भी ऐसा ही है, राजू को कहाँ टाइम रखा बाला करने का, सारे मजे तो आनंद ही ले रहा। हाँ चाचा, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो सारा कमाल इस आनंद का है, आनंद ही आनंद ले रहा है। चाचा, और किस किस के घर में आग लगानी है? अरे यार छोड़ ना, अरे बहुत बिजी रहने लगा भाई। यार क्या करें, काम ही ऐसा दुकानदारी का। इतना भी बिजी ना होया करते कि यही ना पता कि तेरे घर में क्या चल रहा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया मेरे घर में? अच्छा तुझे पता है ना तेरी बहू आनंद के साथ क्या गुल खिला रही है? हम तो दोनों को एक साथ घूमता देखे रात दिन। तेरी बहू के पेट में जो बालक है पता ना तेरा या आनंद का? पर मैं जवान संभाल कर बोलिए, चाचा भतीजे को यहाँ काट कर दाब दूंगा। और सुन ले दादा, समझा ले नहीं इनकी लाश कहीं और पड़ी पाएंगी। अपनी बहू पे और अपनी भाई पे तो तेरी पार बस्ती ना है, पर हम पे आके गुस्सा उतार रहा है ना, जाके पहले उन्हें थाम ले, बाद में हमसे भिड़िए। देखना मेरी आंख में क्या हो गया। अरे आ गए आप। आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। मुझे भूख ना। थोड़ा सा तो खा लेते। कह दिया ना मुझे भूख ना। अरे भाभी, भाई इतना क्यों भड़क रहे हैं आप, क्या बात हो गई? पता नहीं, आज से पहले तो कभी ऐसे नहीं हुए, ना मुझे कुछ बताया। देख जाके। देखूं, पूछूं तो सही क्या हो गया। अरे टप्पल है क्या? तो तेरी बहन के आज यदि खाज फेल लड़ेगा, तू भीतर जा तू। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। मकाज पीना दिखे, बैठो भाई टप्पल। हाँ भैया। तू नू बता, मेरा ब्याह कद को करवाओगा? भाई ब्याह की बात हो रही है मेरी, पक्का जल्दी करवाऊंगा। और सब ठीक है भाई? हाँ भाई सब ठीक है, पर तू नू बता, मेरा ब्याह कद को करवाओगा? भाई जब से तुमने ब्याह की बोली है ना, 10 बार तो फेसियल करवा लिया, और रोज सुबह शाम मंदिर में जाऊं, प्रसाद चढ़ाऊं भाई, शेरवन्नी सहरे वगैरह सब तैयार करवा लिए भाई मन्ने, पर ये ससुराल ब्याह ही नहीं होगा तेरा, मेरा ब्याह कब को करवाऊंगा? भाई चंद्रपाल, वो लड़की पढ़ रही है, मेरी साड़ी जो है वो पढ़ रही है, और ऊनू कह रही है जब तक मेरी पढ़ाई चलेगी मैं ब्याह नहीं करने की। अरे वो पढ़ाई कब तक चलेगी? अब बस पढ़ाई तो उसकी खत्म होने वाली है, पर फाइनल
रिजल्ट जब आएगा जब उसके एग्जाम की फीस भरी जाओगी। फीस कितनी है भाई? बस 50,000 रुपए। बस 50,000 रुपए? भाई तू मुझसे शाम को ले ले, पर मेरा ब्याह करवा भाई, तू मैं बहुत परेशान हूँ। बस तो ब्याह हो गया समझ। देख भाई तेरा ब्याह तो हो जाएगा, पर तू दारू पीनी छोड़ दे। भाई भोलेनाथ की कसम, तू मेरा ब्याह करवा दे, मैं दारू पीनी छोड़ दूंगा। और अगर तूने ब्याह ना करवाया ना तो मैं सांस लेनी छोड़ दूंगा। तुझे सांस लेना छोड़ने की जरूरत नहीं है, तेरा ब्याह तो पक्का होगा। और बता दूं 15 तारीख को तेरा पक्का ब्याह। पक्का? पक्का एकदम 100% पक्का भाई। 15 तारीख सांस से शकल के तेरा करवाऊंगा ब्याह। तेरे दुनिया की ऐसी पीर बननी पल्ले बांधूंगा जिंदगी में याद रखेगा। अजी ब्याह के बात कर देनी, अब का हुई? बैठ नीचे, तू भी बहुत भोली है मेरी लीची। जैसे ही 50,000 रुपए देगा, 500 तो साड़ी ली अपनी, अरे फिर ट्यूब घटवा दिए, मैं तेरे ट्यूब घटवा दूंगा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल है। ब्याह तो मैं करवा दूँ मेरे हाथ में। बहुत अच्छा। हाँ जाई जाई। ठीक बा ठीक बा। मेरे ससुरे तू कितने फेशियल करवा दिए, रहेगा तो काला कौवा। हाँ के बात है, कल सांस तक खाना ना खाया? कुछ बात ना। कुछ तो छुपा रहा है तू हमार से। कुछ ना तो मेरा मुंह मत खुलवा वे। अब तो तेने बतानी पड़ेगी। के बताऊं तुझे, गांव वाले तेरे और गुड्डन के बारे में के कह रहे हैं। के कह रहे हैं? मुझे भी तो पता चले। वही कह रहे हैं कि तेरा गुड्डन के पेट में। तू ऐसी बात सुनकर आ गया यहां? के करता मैं? तेरे पर कुछ ना हो रहा तो मैंने बता, साले का मुंह छेदता हूं अभी। पूरा गांव कह रहा तू किस किस का मुंह छेदेगा, और आप पर ठीक हो ना तो कोई कुछ ना कह सकता। तू मेरे पे शक कर रहा है या भाभी पे? तुम दोनों पे। भाई तू इतना गिर जाएगा, मैंने कभी ना सोची। गिरा मैं ना, तुम दोनों गिरे हो। ठीक है भाई, जब तने ऐसी बात कह दी तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब ना। भाई मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। जैसे तेरी मर्जी। सुनो जी, क्या हो रहा था ये सब? कहाँ जा रहे हैं ये? खुद पूछ ले। कहाँ जा रहे हो तुम? भाभी मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? भाई से पूछ ले। आनंद अजी, आप रोकते क्यों नहीं? आपका भाई जा रहा है और आप चुपचाप बैठे हो। जान दे से, इसमें सबकी भलाई है। आनंद आनंद, हे भगवान। ए मोनिका का बेदावत का जुगाड़ तने कुछ कहम ना है के? जब देखो दावत 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 हो जाएगा दावत का जुगाड़ भी। ठीक है मत बता, अब की बार जी जाएंगे हम उनसे पूछ लेंगे। मम्मी बुला रही है, मैं बाद में आती हूँ। अरे तुम आओ बैठो। आज कुछ मूड ठीक नहीं लग रहा, क्या हुआ? ना ना सब ठीक है। ये बैग लेकर कहाँ चले? अभी तो कहीं ना जा रहा, अभी मुझे 1-2 महीने के लिए किराए पे घर ढूंढना है। जब मेरा रोड का काम चल जाएगा तो मैं उत्तराखंड चला जाऊंगा। ऐसी क्या बात है, तुम यहाँ भी तो रह सकते हो। नहीं नहीं, दुनिया तुझे भी ताने मारेगी। मेरा इस दुनिया में है ही कौन जो मुझे किसी की बातों से तानों से फर्क पड़ेगा। फिर भी मैं ना चाहता तेरे बारे में कोई गलत सोचे। सोचेगा तो सोचने दो, मैं क्या डरूं किसी से? तब तक तुम आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए बना लाऊं। राजमा चावल खाओगे? ठीक है।
एक दिन के लिए लू भाई बन जाएगा। एक दिन क्या, मैं तो पूरी जिंदगी बनने के लिए तैयार हूँ। बात पूरी जिंदगी के लिए ना, सिर्फ एक दिन के लिए भाई बनना। तो मेरे कितने रुपया मिलेंगे? 5,000 दूंगा। 5,000 तो बहुत कम है, मैं तो 8,000 लू। अच्छा सुन, तेरी ना मेरी 6,000 रुपये में तय कर। चलो 6,150 लूंगा। क्यों बताओ, 6,000 बच जाएंगे और 150 रुपया बीड़ी और गुटखा। चल तो ठीक है, डन होगी। 15 तारीख को सुबह 9 बजे खेत पर तैयार हो गया दिए। किसके खेत पे? भारे वाले खेत पे, वो 12 वाला। वही वही। ठीक है, ठीक। अबे साला तो 30 साल का आदमी है। ठीक है, ठीक है, ओके। तुझे पता है गोलू इनके घर में क्या चल रहा? मुझे तो नहीं पता। इनकी वाइफ का चक्कर इनके छोटे भाई से चल रहा। अच्छा, उसके चक्कर में इन्होंने अपने छोटे भाई को घर से बाहर निकाल दिया। क्या कह रहा भाई? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो कह रहा। कुछ नहीं, तू बता भी क्या कह रहा था। आपकी वाइफ का चक्कर आपके छोटे भाई से। निकल जा यहां से, दोबारा दिखाई मत दे, नहीं जान से मार दूंगा। मैं क्या सारी दुनिया कह रही, किस किस का मुंह बंद करोगे तुम? मान जा, कभी मेरे हाथ से मरता हो। और तू क्या देख रहा है, अगला अपना काम कर। तेरा बचा कुचा घर भी बर्बाद कर दूंगा। चाय पी लो। किस सोच में डूब रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि भाभी इस हालात में भी घर का सारा काम कैसे कर रही होगी। तुम कहो तो मैं घर जाकर मदद कराया करूँ। ठीक कह रही है तू, इस बहाने मुझे घर की सारी खबर भी मिल जाया करेगी। चलो तो कल देखती हूँ, अभी चाय तो पी लो। हेलो। हेलो भाभी जी, मैं आनंद का दोस्त बोल रहा हूँ, उसकी तबीयत बहुत खराब है, एक बार आप जाके उसे देख लो। क्या ये क्या कह रहे हो तुम, कहाँ है वो? रसूलपुर की बगल में सियाना गाँव में, वहाँ जाके देख लो। हाँ मेरे को जल्दी कर दीजिए आप। हेलो। हाँ जी भाई साहब, उस दिन तो पीट के भगा दिया था, आज मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ पे जाके देख लो आपकी लुगाई किसके साथ है। अब हो गया काम। दुकान का ध्यान रखिए भाई। मैं तो ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो, और तुम यहाँ कैसे आज? मैं तो ठीक हूँ, किसी ने मुझे फोन करके बोला कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है। ना ना, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, थारी गैल किसी ने मजाक करी होगी। तुम यहाँ बैठो, घबराओ मत, मैं पानी लाता हूँ, बैठो। ले भाभी पानी पी। शुक्र है भगवान का सब ठीक है, मैं तो बहुत घबरा गई थी, जल्दबाजी में तुम्हारे भैया को भी बताना भूल गई। कोई बात ना भाभी, मैं तुम्हें टेम्पो में बैठा दूंगा, आराम से घर पहुंच जाइयो टाइम से। हाँ ठीक है।
चलो तो बाप की पास। ले भाई चंद्रपाल ये बैठी बहू। अरे सच्ची भाई मुझे तो यार सपना लग रहा, ये तो सच्ची में ही है। सच में ही है, ब्याह करवा मेरा भाई। ब्याह करवाऊं चल आ जा। अरे बहू खड़ी हो जा, तेरा आदमी आ लिया। रुक जा रुक जा, तसल्ली कर। चल 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 बहू, ले गेर माला पकड़ो ना, गेर दे पकड़ो। चंद्रपाल अब तेरा ब्याह हो लिया, सब सेटिंग हो लिया, मैं चलूं। मैं अच्छा राम राम। चलो मैं चलता हूं। कुछ खाया? अरे मेरी रसमलाई, बचपन से मैंने यही तो सपना देखा कि मेरा ब्याह हो जाए। ऐ पर्दा नसीब पर्दा का अपना चांसा मुकड़ा तो दिखा दे। हे स्वामी, हे स्वामी उठो ना, हे प्राणनाथ तुम्हें क्या हो गया, उठो ना प्राणनाथ स्वामी। कहाँ गई थी? मैं आनंद के पास गई थी। क्यों? किसी ने मुझे बताया था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, और तैने ये मुझे बताना ठीक नहीं समझा? वाह गुड्डन, तूने आज साबित कर दिया कि दुनिया वाले गलत ना कहते थे, तुम दोनों गलत हो। ये आप क्या कह रहे हो? आप गलत समझ रहे हो, बस मैं आपको जल्दबाजी में बताना भूल गई थी। सही कहा तैने, जब तू रिश्तों की मर्यादा ही भूल गई तो तुझे बताना कहाँ याद रहता। तू मेरे पे एक एहसान कर दे, मेरा घर छोड़कर अभी इस घर से निकल जा। ये आप क्या कह रहे हो, मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? वहीं जा जहाँ से भी आई है, और मुझे नहीं रखना तुझसे रिश्ता, नहीं चाहिए मुझे तुझ जैसे धोखेबाज बीबी। ऐसा मत करिए, मैं कहाँ जाऊंगी इस घर को छोड़ के, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत करिए, निकल जा यहाँ से, मुझे अब तेरी कोई बात नहीं सुननी। मेरी बात तो सुनिए, बहुत देख लिए तेरे रंग मैंने। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी बात तो सुनिए, मैं कहाँ जाऊंगी आपके बिना, मेरी बात तो सुनिए आप। निकल जाए इस घर से, दोबारा इस घर की तरफ को पलट कर मैं देख लिए। मेरी बात तो सुनिए आप। भगत जी की ना, मुझे तो सरदार जी के गोलगप्पे खाने हैं। अरे ये कौन है? या कौन है भाई? भाभी भाभी हॉस्पिटल ले चलते हैं। तन्ने भाई को फोन कर दिया? हाँ जी कर दिया। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है उनकी, वो ठीक तो हो जाएंगे? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में है,
लगता है उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है और पेट के बल गिरने से बच्चे को भी खतरा है। डॉक्टर साहब, वो मेरी भाभी नहीं, वो मेरी माँ है। मेरी माँ के जाने के बाद मेरी भाभी ने मुझे बहुत लाड किया है, प्लीज बचा लो उन्हें। प्लीज भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, मेरी जान ले ले पर मेरी भाभी को बचा दे। आनंद मजबूत बनो, सब ठीक हो जाएगा। उठो आनंद, मजबूत बनो, सब ठीक हो जाएगा। भाई, मुझे निकाल कर तेरा पेट ना भरा, जो तूने भाभी को भी निकाल दिया। तूने हम पे विश्वास नहीं किया, पूरी दुनिया पर विश्वास किया। आज भाभी के पेट में बच्चा है। भाभी के जो भी कुछ होगा और बच्चे के हुआ, वो सब तेरी जिम्मेदारी होगी और भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। माफ कर दो गुड्डन, हे भगवान। मैंने सीता जैसी पतली लक्ष्मण जैसे भाई पसंद किया। हे भगवान, किस बात की मुझे सजा दे रहा? मेरे गुनाहों की सजा इनको मत दे। मेरी बीवी और मेरे होने वाले बच्चे को बचा ले भगवान, बचा ले भगवान। मैं गुनेगार हूं तो सजा मुझे दे। मेरी बीवी को ठीक कर। भगवान, अगर मुझने कुछ भी गलत किया। गुड्डल, 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 बोला। जब तू बोलना चाहती थी, मैंने तेरी एक बात नहीं सुनी। भगवान, भगवान, चमत्कार ही कहेंगे।
बाद भी माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, खतरे से बाहर हैं। सच डॉक्टर साहब, आप वाकई भगवान हो। आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरी भाभी माँ को बचा लिया। करने वाला भगवान ही है, हम तो कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद देना है तो उसका करो, करिश्मा सब उसका ही है। अब आप उनसे मिल सकते हैं। गुड्डन, ए गुड्डन, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। ऐसा मत कहिए, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। क्यों, तुम दोनों की शादी की डेट पक्की की जाए? भाभी तू जल्दी ठीक हो जा और हमारा ब्याह करवा दे, अब कुवारा ना रह जाता। कद आवेगी मेरी तू बहू बनके, कद आवेगी जगह यो दूल्हा राजा फेर खूब सजेगा।